What the hell is going on, Colonel Luthra? कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा? I understand. Then remember what I taught you, Khalid. मौका मिला तो गोली चला देना। सोचना मत। मैं नहीं सोचूंगा। खालिद कभी मेरा स्टूडेंट हुआ करता था। अब शायद उसे लगता है कि अपने टीचर से आगे निकल गया। बताने जा रहे हैं वॉर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ जबरदस्त बातें। तो दोस्तों, जब 2 सुपर हंक्स एक ही स्क्रीन पर अपने सिक्स पैक ऐप से सबको घायल करते दिखे तो कई हसीनाओं के दिल की धड़कन रुक सी गई थी। वहीं कुछ लड़कों की धड़कनों में भी उछाल आया फिल्म की सुपर सेक्सी और हॉट एक्ट्रेस को देखकर। आखिर कौन है इस सुपर हॉट एंड सेक्सी स्टार कास्ट? जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। 2019 में आई वॉर फिल्म के ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर की हम बात कर रहे हैं। जहाँ फिल्म की हाफ स्टोरी के बाद फिल्म की कहानी कहीं नीचे जाती दिखी तो सिद्धार्थ आनंद ने अपने हीरो के सॉलिड एब्स और लुक्स और जबरदस्त एक्शन सीन्स के साथ पूरी कोशिश की फिल्म को कवर अप करने की, और जो बहुत हद तक सही साबित हुई। पर स्टोरी तो स्टोरी होती है दर्शकों को एक कड़ी से दूसरी कड़ी तक जोड़ने के लिए। फिल्म में वाणी कपूर का रोल लिमिटेड रहा, जिससे साफ पता लग रहा है कि उनको केवल ग्लैमर के लिए ही फिल्म में दिखाया गया था। दोस्तों, न्यूज आ रही है कि इस फिल्म का सेकंड सीक्वल बनने जा रहा है। ऐसे में इस फिल्म में भी क्या हीरोइन को केवल ग्लैमर के लिए दिखाया जाएगा, या वाकई में डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इस बार हीरोइन को भी दमदार एक्शन और स्टोरी का हिस्सा बनाएंगे, इसी बात पर चर्चा हो रही है। दोस्तों, वॉर में हमें ऋतिक और टाइगर की जोड़ी देख के मानो ऐसा लगा जैसे 90s में आई सुभाष घई की फिल्म खलनायक के संजय दत्त और जैकी श्रॉफ वापस से देखने को मिले हों। पर हाँ, एक्शन और स्टाइल में तो काफी बदलाव आपको 90s की फिल्मों से अब की फिल्मों में देखने को मिल ही सकता है, जिसका आधा श्रेय VFX और स्टंट डायरेक्टर्स को जाता है। जी हाँ दोस्तों, वॉर फिल्म में बड़े पर्दे पर एक्शन करते दिखे ये दो दमदार हीरो के पीछे एक्शन डायरेक्टर CYO परवेश शेख, फ्रांस स्पिलहाउस और पॉल जेनिंग्स का हाथ रहा है। अब आने वाली फिल्म वॉर 2 में ऋतिक रोशन संग कौन सा हीरो और हीरोइन हमें देखने को मिलते हैं एक्शन करते हुए। ऐसे ही बहुत से और धुरंधर एक्शन सीन्स देख के ऐसा लगेगा कि मानो आप हॉलीवुड के मिशन इम्पॉसिबल या फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म ही देख रहे हो। आजकल बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में हॉलीवुड मूवीज जैसी झलक देखने को मिलती है, चाहे वो रोहित शेट्टी की फिल्म में हो या फिर अब इस लाइन में जुड़े सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। क्या फेक बॉलीवुड के मुंह पर से उठा देगी वॉर 2 पर्दा? कि वॉर 2 मूवी है रेड वार्निंग साइन फॉर सो कॉल्ड नो लॉजिक मूवीज इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री? दोस्तों,
जब कोई इंसान बीमार हो जाता है तब हमें कोई दवाई की जरूर जरूरत पड़ती है उस इंसान की तबीयत ठीक करने के लिए। उसी तरह हमारा बॉलीवुड भी एक बीमार इंसान की तरह हो गया है जिसे कई सही मूवीज जैसी दवा की सख्त जरूरत है। ये बॉलीवुड की बीमारी कुछ ऐसी है कि इसमें कोई भी दमदार और सबसे हटके फिल्म नहीं आ रही और अगर इसे कोई ऐसी फिल्म का डोज नहीं दिया गया तो बॉलीवुड की हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसी ही मूवी के बारे में बताने वाले हैं और उस मूवी का नाम है वॉर 2 जो कि वॉर की कंटिन्यूएशन में आएंगी और हम ये बात गारंटी से कह सकते हैं कि ये मूवी बॉलीवुड के लिए उस दवाई की तरह साबित होगी जो उसकी हालत जल्द ही सुधार देगी। वॉर मूवी को डायरेक्ट किया था सिद्धार्थ आनंद ने एंड इस मूवी के दो लीड एक्टर्स थे ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ। इस मूवी की ओपनिंग दमदार रही थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया था। वॉर 2 कैसे इस बॉलीवुड सिनेमा में गेम चेंजर की तरह नजर आ सकती है आइए आपको ये बताते हैं। तो जैसे कि वॉर मूवी में दिखाया गया था एक ऐसी कहानी जो लोगों ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। लोग इस बात से दंग रह गए थे कि ये आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर लाए कहां से। इस मूवी का इतना अच्छा प्लॉट देखकर लोग चाहते हैं कि वो कोई ऐसा ही दिमाग को सोचने पर मजबूर करने वाली मूवी दोबारा देखे। वॉर 1 में स्टोरी को प्लस एक्शन को सेम टाइम दिया गया था और दोनों को मर्ज करने की कोशिश नहीं की गई थी जिसे लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। इसलिए वॉर 2 की मेकिंग पर जनता बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाल रही है। फैंस आगे भी ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ कबीर की लाइफ में। लोगों ने आज तक बहुत ही सारी अंडरकवर एजेंट वाली मूवीज देखी है पर वॉर मूवी एक डिफरेंट लेवल की ही हिट देती है लोगों के दिलों में। ये उन टिपिकल अंडरकवर एजेंट मूवीज की तरह नहीं है जहां हैप्पी एंडिंग पर सब खत्म हो जाता है। ये एक ऐसी मूवी है जो कहानी को एक नई डायरेक्शन भी दे सकती है। वॉर 2 में बॉलीवुड के सबसे ज्यादा स्पॉटी और चरिस्मेटिक एक्टर्स को रखा गया था जिसे देखकर लोग ये मान गए कि कास्टिंग हो तो ऐसी और वो ये चीज वॉर 2 में भी देखने के लिए एक्साइटेड है। किसी मूवी के लिए परफेक्ट कास्टिंग इम्पोर्टेंट होती है और फिल्म के डायरेक्टर ने ये साफ साफ कह दिया है कि वो इस बार भी इस मूवी के दूसरे पार्ट के लिए कैरेक्टर्स चुन चुन कर लाएंगे जो उन सो कॉल्ड बॉलीवुड मूवीज के मुंह पर तमाचा होगा जहां कास्टिंग को सीरियसली नहीं लिया जाता और रिजल्ट में मिलती है ओनली वो फिल्में जिनमें कोई लॉजिक एंड एक्टिंग नहीं होती। अभी तो हम लोग दिल थाम कर करते हैं वॉर 2 की कोई नई अपडेट आने का वेट। इस फिल्म के रिलीज प्रोसेस में आगे क्या होता है और इस फिल्म से जुड़ी और कई अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिद्धार्थ आनंद के साथ। क्या प्रभास बन गए हैं टाइगर के लिए खतरा? नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत से स्वागत है। सो गाइस आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए टाइगर श्रॉफ की वॉर का सीक्वल वॉर 2 से जुड़े कुछ अनसुने किस्से और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा इन सभी टॉपिक्स पे होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करके वीडियो शुरू करते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन जिन्होंने अपने एक्शन एंटरटेनर वॉर से दर्शकों का दिल जीत लिया। ऋतिक ने फिल्म के बारे में खुलासा किया क्योंकि आज इसे 2 साल हो गए। वॉर जिसमें टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर भी थे, सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्टेड और आदित्य चोपड़ा द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये फिल्म ऑल टाइम फेवरेट ब्लॉकबस्टर बन गया और ऋतिक ने अपने दमदार एक्टिंग और धासु एक्शन से देश को अपना दीवाना बना दिया। फिल्म की सेकंड एनिवर्सरी पर अभिनेता ने फिल्म के स्क्रिप्ट पर अपने पहले रिएक्शन का खुलासा किया। उन्होंने कहा, ठीक है यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया जो मुझे उत्साहित करे। यह फिल्म डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के साथ 2019 में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ऋतिक ने यह भी बताया कि वॉर के दौरान मेरी और टाइगर की जान पहचान भी अच्छी खासी बन गई और उनके साथ काम करके मुझे काफी अच्छा लगा। वहीं खबर आई कि प्रभास, ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद के साथ विलन के रूप में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि क्योंकि टाइगर श्रॉफ के रोल की पहले फिल्म में मृत्यु हो गई थी इसलिए उन्हें ऋतिक रोशन के साथ एक बड़े स्टार द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। तो वही अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रभास ऋतिक के अपोजिट दिख सकते हैं। इसी कारण कहा जा रहा है कि प्रभास टाइगर की जगह ले सकते हैं लेकिन टाइगर के पास भी फिल्मों की कमी नहीं है, उनके पीछे भी कई सारे फिल्म्स लाइन में लगी हैं। प्रभास को पहली बार विलन के रूप में देखने के लिए पूरा भारत एक्साइटेड होगा लेकिन अभी तक फिल्म के कास्ट एंड क्रू पर कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है। आने वाले कुछ सालों में फिल्म डायरेक्टर के पास 1 या 2 नहीं बल्कि 3 यशराज फिल्में हैं और सभी बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों के साथ हैं।
अपने एक इंटरव्यू में मे डे में सिद्धार्थ आनंद ने इस बात की पुष्टि की कि रियलिटी में वॉर 2 होने जा रहा है। उनका कहना है कि आदित्य चोपड़ा और उन्होंने तय किया था कि अगर पहला सीक्वल अच्छा काम करता है तो वो इसका दूसरा सीक्वल जरूर बनाएंगे। उनका कहना है कि उन्होंने अभी भी काम शुरू नहीं किया है और अगले साल तक इसकी शूटिंग शुरू हो सकती है। वॉर 2 के लिए आप कितने उत्साहित हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी सारे नए अपकमिंग मूवीज और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉडीगार्ड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटके सुनने को कैसे मिलेगा। लाइक एंड कमेंट करके आप भी अपनी ओपिनियन इस फिल्म को लेकर हमें बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका आपसे इजाजत लेती हूँ। किसका हाथ रहा फिल्म में जोरदार एक्शन के पीछे? क्या वॉर 2 में हमें कोई एक्ट्रेस भी एक्शन करते हुए दिखेंगी? आखिर किस फिल्म की झलक देखी गई थी वॉर में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वॉर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ जबरदस्त बातें। तो दोस्तों, जब 2 सुपर हंक्स एक ही स्क्रीन पर अपने सिक्स पैक ऐप से सबको घायल करते दिखे तो कई हसीनाओं के दिल की धड़कन रुक सी गई थी। वहीं कुछ लड़कों की धड़कनों में भी उछाल आया फिल्म की सुपर सेक्सी और हॉट एक्ट्रेस को देखकर। आखिर कौन है इस सुपर हॉट एंड सेक्सी स्टार कास्ट? जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। 2019 में आई वॉर फिल्म के ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर की हम बात कर रहे हैं। जहाँ फिल्म की हाफ स्टोरी के बाद फिल्म की कहानी कहीं नीचे जाती दिखी तो सिद्धार्थ आनंद ने अपने हीरो के सॉलिड एब्स और लुक्स और जबरदस्त एक्शन सीन्स के साथ पूरी कोशिश की फिल्म को कवर अप करने की, और जो बहुत हद तक सही साबित हुई। पर स्टोरी तो स्टोरी होती है, दर्शकों को एक कड़ी से दूसरी कड़ी तक जोड़ने के लिए। फिल्म में वाणी कपूर का रोल लिमिटेड रहा, जिससे साफ पता लग रहा है कि उनको केवल ग्लैमर के लिए ही फिल्म में दिखाया गया था। दोस्तों, न्यूज आ रही है कि इस फिल्म का सेकंड सीक्वल बनने जा रहा है। ऐसे में इस फिल्म में भी क्या हीरोइन को केवल ग्लैमर के लिए दिखाया जाएगा, या वाकई में डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इस बार हीरोइन को भी दमदार एक्शन और स्टोरी का हिस्सा बनाएंगे, इसी बात पर चर्चा हो रही है। दोस्तों, वॉर में हमें ऋतिक और टाइगर की जोड़ी देख के मानो ऐसा लगा जैसे 90s में आई सुभाष घई की फिल्म खलनायक के संजय दत्त और जैकी श्रॉफ वापस से देखने को मिले हों। पर हाँ, एक्शन और स्टाइल में तो काफी बदलाव आपको 90s की फिल्मों से अब की फिल्मों में देखने को मिल ही सकता है, जिसका आधा श्रेय VFX और स्टंट डायरेक्टर्स को जाता है। जी हाँ दोस्तों, वॉर फिल्म में बड़े पर्दे पर एक्शन करते दिखे ये दो दमदार हीरो के पीछे एक्शन डायरेक्टर सी यंग ओ, परवेश शेख, फ्रांस स्पिलहाउस और पॉल जेनिंग्स का हाथ रहा है। अब आने वाली फिल्म वॉर 2 में ऋतिक रोशन संग कौन सा हीरो और हीरोइन हमें देखने को मिलते हैं एक्शन करते हुए? ऐसे ही बहुत से और धुरंधर एक्शन सीन्स देख के ऐसा लगेगा कि मानो आप हॉलीवुड के मिशन इम्पॉसिबल या फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म ही देख रहे हो। आजकल बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में हॉलीवुड मूवीज जैसी झलक देखने को मिलती है, चाहे वो रोहित शेट्टी की फिल्म में हो या फिर अब इस लाइन में जुड़े सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। नहीं होते कभी बूढ़े, क्या खास था टाइगर के इस किरदार में? ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्स बूढ़े होने से बच्चे होते हैं। सालों तक एक ग्रेस से काम करना वाकई में एक आर्ट है। बिल्कुल एक फाइन वाइन की तरह कुछ स्टार समय के साथ बस और भी ज्यादा बेहतर होते ही चले जाते हैं। उन्हीं में से एक स्टार है हमारे ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन। वे भी उम्र को मात देते हुए अपनी सुंदर सी बॉडी और एक्शन और डांस सीन से बस चमक ही चले जाते हैं। जब उनकी बेस्ट फिल्मों का नाम आता है तो 2019 की फिल्म वॉर का जिक्र जरूर होता है। वही उनके साथ जिस एक्टर की जोड़ी बनाई गई थी वो कोई एक्ट्रेस नहीं बल्कि उन्हीं के लाइफ लॉन्ग फैन टाइगर श्रॉफ थे। दोनों ही स्टार्स ने अपने कमाल की केमिस्ट्री और एक्शन सीन से स्क्रीन पर आग ही लगा दी थी।
जहां एक तरफ ऋतिक का चार्म था, एक्टिंग थी, डांसिंग थी, जिन्हें हॉलीवुड की परफॉर्मेंस से भी कंपेयर किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर टाइगर श्रॉफ की जवानी, चुस्ती और मासूमियत थी, जिसे वो उस इंसान के साथ मैच करने में पूरी तरह सफल रहे जिन्हें वो पूछते हैं। हालांकि फिर भी जब दोनों स्क्रीन पर आते हैं, हमारी आंखें तो ऋतिक रोशन से ही चिपक कर रह जाती है। इंडिया का बेस्ट सोल्जर कबीर ऋतिक जब बागी बन जाते हैं और ताकतवर लोगों को हटा रहे होते हैं, वही खालिद टाइगर जो लाइन में अलग बेस्ट है, उसे एक्शन में लाया जाता है। असल जिंदगी की तरह फिल्म में भी टाइगर के मन में ऋतिक के लिए ढेर सारा प्यार और सम्मान है। अब जब वॉर 2 के बनने की चर्चा बॉलीवुड में है और ऋतिक और टाइगर दोनों ही फिल्म में लौटने वाले हैं, ऐसे में फैंस के लिए तो ये बिल्कुल किसी डबल स्कूप बनोंजा की तरह होगा। आपको बता दें कि फिल्म के लिए फिलहाल टाइगर के लुक्स पर काम किया जा रहा है। जी हाँ, फिल्म में उनके लुक को पूरी तरह से बदला जाएगा, जिसमें उनके बालों के कलर से लेकर उनके पहनावे में भी फर्क होगा। हालांकि ये फिल्म वहीं से शुरू होगी जहां से 2019 में खत्म हुई थी। फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पर लगातार काम कर रहे हैं और आशा है कि इसे वॉर 2 में क्या ऋतिक रोशन डबल रोल निभाते हुए नजर आएंगे? आखिर क्यों लोग ऋतिक रोशन को नेगेटिव किरदार में देखना चाहते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉडीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वॉर पिक्चर में ऋतिक रोशन ने शुरुआत में नेगेटिव किरदार निभाया था और उनके इस किरदार को लोगों का बखूबी प्यार मिला। जी हाँ, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था ऋतिक रोशन को नेगेटिव किरदार में देखकर, और वॉर फिल्म के बाद उन्हें कई ऐसी पिक्चर्स ऑफर हुए जहाँ उन्हें नेगेटिव किरदार निभाना था। दोस्तों, ऐसी बात की जाए ऋतिक रोशन की, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो डांसिंग में बहुत माहिर है, वो एक्टिंग में बहुत माहिर है, और साथ ही वो कॉमेडी सीन्स को भी अपने ढंग से एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देते हैं। ओवरऑल ऋतिक रोशन एक सरप्राइज पैकेज है ऑडियंस के लिए। अब बात करते हैं ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऋतिक रोशन अपनी अपकमिंग फिल्म में एक बार फिर से नेगेटिव किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। आपको बता दूं, ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म विक्रम वेदा को निर्देशक जोड़ी गायत्री और पुष्कर मिलकर बनाने वाले हैं। ये एक हिंदी थ्रिलर मूवी होने वाली है। इस पिक्चर में सैफ अली खान और ऋतिक रोशन अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, इन दोनों ने अपने किरदारों के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। अगर सोर्सेस की माने तो गर्मियों के बाद फिल्म की शूटिंग की भी शुरुआत हो जाएगी। वर्क फ्रंट की बात करें तो ऋतिक रोशन के पास फिलहाल कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लेकर वो काफी बिजी चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में वो मॉन्स्टर के साथ अपना डिजिटल डेब्यू भी करने वाले हैं, और इतना ही नहीं, मधु मांटीना की फिल्म रामायण में भी वो नजर आ सकते हैं। एक दूसरे फिल्म में ऋतिक रोशन गैंगस्टर की भी भूमिका निभाने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में ऋतिक रोशन कई फिल्मों में नजर आएंगे जिसमें वो हीरो के तौर पर नहीं बल्कि विलेन के तौर पर आपको दिखेंगे। इन तमाम किरदारों के लिए उनके फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ऋतिक रोशन ने जब से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की है, वो ज्यादातर एक्शन फिल्मों में नजर आए हैं और लोग उनके कहीं ना कहीं दीवाने भी हो गए हैं उनकी बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस को देखते हुए। और उनकी बॉडी की बात की जाए तो क्या ही बात। दोस्तों, ऋतिक रोशन को हॉलीवुड के एक्टर से भी कंपेयर किया जाता है। बीते साल उनकी फिल्म वॉर रिलीज हुई थी और इस फिल्म में उनके दमदार एक्शन को लोगों का भरपूर प्यार मिला था। वह आने वाले दिनों में वॉर का सीक्वल भी बनने वाला है और इस पिक्चर में वो गैंगस्टर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। वॉर 2 के डायरेक्टर ने कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस पिक्चर में ऋतिक रोशन को डबल किरदार दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो इस फिल्म में हीरो और विलेन दोनों का किरदार निभा सकते हैं। जहां एक तरफ वो गैंगस्टर के रोल में दिखेंगे तो वहीं दूसरी तरफ वो पॉजिटिव किरदार भी निभाएंगे। वॉर 2 की स्क्रिप्टिंग पर फिलहाल काम चल रहा है और जैसे ही इसकी स्क्रिप्टिंग खत्म होती है, आने वाले दिनों में फिल्म की शूटिंग की भी शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, आप इस अपकमिंग फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे
वरना वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक्टर ने रिजेक्ट कर दिया है वॉर 2 का हिस्सा बनना, आखिर क्या थी वजह? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स की फिल्मों के बारे में अपडेट्स लाएं तब आप ही वो सबसे पहले जान पाएं। 2017 और 2018 में साबित हो गया था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अभी कमर्शियल फिल्म्स बनना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जो भी फिल्में चल रही हैं और जो फिल्में फिल्म मेकर्स बनाना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स हैं। आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव सालों की स्ट्रगल के बाद अपना एक मुकाम बना पाए और सीधे रेड रेस के अंदर घुस के नहीं बल्कि बाहर अपनी एक अलग जगह बना के। उसके बाद विक्की कौशल ने अपना ब्रेक थ्रू पाया फिल्म्स में सपोर्टिंग किरदार संजू और राजी में करके, जिसके बाद ये साबित हो गया कि स्टार बनने के लिए कोई स्पेसिफिक तरह का लुक या कमर्शियल फॉर्मूला नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ प्योर टैलेंट चाहिए। लग रहा था कि जैसे कमर्शियल फिल्म्स पूरी तरह से बंद पड़ जाने वाली है, क्योंकि उसी साल रिलीज हुई फिल्म जीरो, थग्स ऑफ हिंदुस्तान और रेस 3 तीनों बड़े स्टार्स की होने के बावजूद एक के बाद एक फ्लॉप्स होने लगी। लेकिन उसी साल की सबसे बड़ी कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स लाइक संजू और पद्मावत कामयाब रही, तो सबको लग रहा था कि कंटेंट इज द वे फॉरवर्ड और कमर्शियल फिल्म्स का ट्रेंड खत्म हो जाएगा। लेकिन 2019 में लोगों की ये सोच फिर से बदल गई और उसी साल प्रभास की फिल्म साहू रिलीज हुई जो बुरी तरह से फ्लॉप रही, मगर उसी साल यशराज फिल्म्स के द्वारा बनाई गई फिल्म वॉर ने लोगों का कमर्शियल फिल्म्स के प्रति नया नवेला रिपल्शन दूर कर लिया। कहीं न कहीं इसका प्रमुख कारण था ऋतिक रोशन। ऋतिक को काबिल के बाद 3 सालों तक कोई फिल्म करते नहीं दिखे। उसी साल 2 धमाकेदार परफॉर्मेंस में नजर आए फिल्म सुपर 30 और वॉर में। ऋतिक ने वॉर में दर्शकों को वो सब दिया जिसके लिए उन्हें हमेशा से जाना जाता था। उनकी अमेजिंग डांसिंग एबिलिटीज और इनइमिटेबल स्वैग, ऋतिक का एंट्री सीन यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर कई बार देखा जाने के साथ साथ रिक्रिएट किया गया है फैंस के द्वारा, और घुंघरू पर उनके डांस मूव्स ने फैंस को एक पल का जीना डेज के बारे में याद दिला दिया था। वॉर के लिए एक्साइटमेंट और इवेंचुअली इतना सारा प्यार हासिल करने के बाद डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने प्रॉमिस किया कि वो वॉर 2 जरूर बनाने वाले हैं। लेकिन क्योंकि टाइगर श्रॉफ के किरदार को वॉर में मार दिया गया, इसलिए उन्हें वॉर 2 में नहीं लिया जाएगा बल्कि उनकी जगह लिए जाने वाले थे प्रभास को। और प्रभास ठहरे ऋतिक रोशन के फैन, जिसकी वजह से सिड होपफुल थे कि वो फिल्म करने के लिए मान जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सिड ने उन्हें नेगेटिव रोल ऑफर किया और प्रभास नेगेटिव रोल करना नहीं चाहते। वॉर 2 के मेकर्स की सुई, कब होगी वॉर 2 की शूटिंग स्टार्ट? किन नए प्रोजेक्ट में बिजी हैं वॉर 2 के मेकर्स? क्या वॉर 2 के साथ रिलीज होगी पठान? आइए जानते हैं। टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की मुख्य भूमिका वाली वॉर 2019 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। YRF जिन्होंने फ्लेक को नियंत्रित किया, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस फिल्म का सीक्वल जल्द ही आएगा। चूंकि टाइगर श्रॉफ के चरित्र की पहली फिल्म में मृत्यु हो गई थी, इसलिए सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी सीक्वल में उन्हें ऋतिक रोशन के साथ एक और बड़े स्टार द्वारा एस्टैब्लिश किया जाएगा। वॉर की सफलता के बाद सिद्धार्थ आनंद पठान में व्यस्त हैं, जिसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसके बाद वो ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के साथ फाइटर पर काम शुरू करेंगे। अब अफवाहें जोर पकड़ रही हैं कि प्रभास को फिल्म के लिए लाने की योजना बनाई जा रही है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अखिल भारतीय सुपरस्टार के साथ कुछ बैठकें की हैं। वास्तव में कयासों से पता चलता है कि वो प्रभास और ऋतिक रोशन के साथ एक फिल्म की योजना बना रहे हैं और ये बड़े स्तर पर बनाई जाएगी। सूत्रों ने बताया कि सिद्धार्थ आनंद प्रभास के साथ बातचीत कर रहे हैं कि उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म क्या हो सकती है। ये एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर है और निर्देशक ने काम शुरू करने से पहले पिछले साल प्रभास के साथ हैदराबाद में कई बैठकें की हैं। प्रभास को भी सिड का विचार और दृष्टिकोण पसंद आया। उन्होंने उसे एक बाउंड स्क्रिप्ट के साथ आने और फिर अंतिम निर्णय लेने के लिए कहा है। अब तक की बैठक तो अच्छी रही है।
संभावना है कि ये फिल्म वॉर 2 हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये एक्साइटेड होगा। फिल्म की काफी बड़ी ब्रांड वैल्यू भी है। टाइगर श्रॉफ फिल्म का हिस्सा थे लेकिन उनका किरदार मर गया था, इसलिए एक नए अभिनेता को फिल्म में लाना समझ में आता है। प्रभास ने हमें दिखाया है कि वो बाहुबली और साहो जैसी एक्शन फिल्मों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं। वॉर के बाद सिद्धार्थ आनंद काफी डिमांडिंग डायरेक्टर भी बन गए हैं और उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया है। प्रभास के पास आदि पुरुष, सलार, नाग अश्विन की साइंस फिक्शन फिल्म जैसी कुछ शीर्ष फिल्में हैं। अब उन्हें राधे श्याम की रिलीज का भी इंतजार है। ऋतिक रोशन और प्रभास की जोड़ी को देखना दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होगा। आप भी ऋतिक रोशन और प्रभास को साथ देखने के लिए एक्साइटेड तो जरूर होंगे। तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी सभी खबरों के लिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। स्पाई यूनिवर्स, क्या दिखेंगे टाइगर, ऋतिक और प्रभास एक साथ? प्रभास या विजय सेतुपति, कौन बनेगा विलेन? जानने इन सभी मजेदार सवालों के जवाब तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त अंकिता पाठक और आपका करती हूं स्वागत बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। दोस्तों, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जिसे सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई थी और अब लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया था वॉर के सीक्वल के लिए। और सिद्धार्थ आनंद ने खुद ये बात छेड़ी है कि वॉर 2 जल्द ही आ सकती है हमारे सामने और हम इसका मजा ले सकते हैं सिनेमा घरों में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वॉर में ऐसे कई सीन्स थे जो ऑडियंस चाहती थी कि और ज्यादा एक्सप्लेन्ड हो या और ज्यादा डिटेल्ड हो, लेकिन यही सीन्स बनने वाले हैं प्लॉट बेस्ड वॉर 2 के लिए। जैसे फिल्म में टाइगर के किरदार की डेथ को क्लियरली नहीं दिखाया गया, अब शायद वॉर 2 में इसका कोई क्लैरिफिकेशन हमें जरूर मिल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइगर का किरदार आ सकता है वापस इस मूवी में और इस फिल्म के अंत में दिखाया गया है कि कबीर यानी कि ऋतिक के किरदार को सब गद्दार समझते रहे मगर वो रूही के साथ खेलते खेलते अपने अगले मिशन के लिए इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, वॉर 2 में हम देख सकते हैं ऋतिक को वापस से कबीर के किरदार में एक नए मिशन के साथ जो वॉर के मिशन के साथ रिलेटेड हो सकता है। YRF के अंडर डेवलप्ड हुई ये फिल्म असल में आती है YRF के स्पाई यूनिवर्स के अंतर्गत, जहां सिर्फ ऋतिक रोशन का कबीर ही नहीं बल्कि सलमान खान का टाइगर और शाहरुख खान का पठान ऐसे किरदार भी मौजूद हैं। बॉलीवुड में स्पाई बेस्ड मूवीज बड़ी कंपनी है, लेकिन हाल ही में हम सब ने स्पाई लाइफ रिलेटेड कॉन्टेंट को डेवलप्ड होते हुए देखा है। और जरूरी नहीं कि वो मूवीज ही हो, आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी बहुत अच्छी अच्छी सीरीज आ रही हैं जो मूवीज को कड़ी से कड़ी टक्कर दे रही हैं। जैसे कि Amazon Prime का फैमिली मैन उसी तरह का एक स्पाई लाइफ रिलेटेड सीरीज है। वॉर 2 में टाइगर के अलावा दूसरे एक्टर्स भी दिख सकते हैं। इस बार वॉर 2 में हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग विलन और इस रोल के लिए हो रहा है बैर इंडिया सुपरस्टार प्रभास से। सिद्धार्थ आनंद ने पठान के शूट से पहले हैदराबाद में प्रभास से मीटिंग की और एक मूवी के बारे में बात की और ये भी कहा कि ये रोल एक करियर डिफाइनिंग रोल हो सकता है। तो अब ये फिल्म वॉर 2 ही है कि नहीं, ये तो सिद्धार्थ आनंद खुद ही बता पाएंगे। अगर प्रभास ने ये विलन का रोल किया तो वॉर 2 एक सुपर हिट फिल्म साबित होगी, क्योंकि प्रभास का हीरो एंड लवर बॉय इमेज तो बहुत हटकर होने वाली होगी ये विलन इमेज। वैसे आपको बताएं कि वॉर 2 में हाई चांसेस हैं कि विजय सेतुपति को ही देखा जाए। विजय सेतुपति हाल ही में लाल सिंह चड्ढा से विदा लेते हुए नजर आए क्योंकि उन्हें डेट का इशू था, इसीलिए उनके रोल को नागा चैतन्य को दे दिया गया। और विजय एक टैलेंटेड एक्टर है, कौन नहीं चाहेगा उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना। इतना तो आप समझ ही होंगे कि ये वॉर 2 वॉर से भी बड़ी बजट की फिल्म होगी। जब वॉर का बजट 1.70 बिलियन था तो वॉर को रिलीज भी 4DX में किया गया था। इस बार भी शायद वॉर 2 4DX में रिलीज हो और बजट 1.70 बिलियन से भी बहुत ज्यादा हो। तो क्या आप भी हैं एक्साइटेड वॉर 2 के लिए? हमें बताइएगा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की स्क्रिप्ट लिखी है दिया मुखर्जी।
के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ। एक ऐसा इंसान की जो एक्टर तो नहीं है लेकिन उनका काम काबिले तारीफ है। आपको बता दें ये इंसान ऋतिक का अपना ना होते हुए भी उनसे खास रिश्ता रखता है। बेशक ऋतिक उनसे मिले नहीं पर फिर भी ऋतिक ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई किसी की लाइफ बिना देखे या बिना उसके बारे में जाने कैसे बदल सकता है। तो अब जान लीजिए कैसे। वैसे तो सबको ही पता है कि लुक्स, डांस और पर्सनालिटी के चलते अक्सर चर्चा में रहने वाले एक्टर ऋतिक रोशन ने कुछ दिन पहले एक इवेंट के लिए उदयपुर में शिरकत की थी। इस इवेंट में उनके कई फैंस भी शामिल थे और एक फैन ने उनके साथ स्टेज पर वॉर फिल्म के सॉन्ग घुंघरू पर डांस भी किया। खास बात यह है कि इस फैन ने अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी को भी लोगों के साथ शेयर किया और ऋतिक को अपना डांस गॉड बताया। वो ऋतिक से कहती हैं कि आप ही वो वजह हैं जिसके चलते मैंने डांस सीखा। आपके डांस से सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो गई। मेरी पूरी फैमिली काफी परेशानी में थी लेकिन आपकी फिल्मों के डांस देख देख कर और सीख कर मैं आज इस मुकाम पर हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं लेबर क्लास से आज अपनी स्ट्रगल शुरू करने के बाद ऋतिक रोशन के सामने खड़ी हूँ। उनकी ये बात सुनकर ऑडियंस तालियां बजाने लगती है। इसके बाद ये लड़की ऋतिक रोशन के साथ घुंघरू टूट गए सॉन्ग पर डांस भी करती है। साथ ही ऋतिक रोशन भी उनके साथ अपना सिग्नेचर स्टेप करते हैं। बता दें कि ऋतिक रोशन को देखने के लिए बहुत भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ को देखकर अभिनेता एकदम शॉक हो गए थे। एक्टर ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा, इतने गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उदयपुर वापस आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं इतने सालों बाद यहाँ आया हूँ। मैं अपनी एक फिल्म के लिए यहाँ शूट की थी। यहाँ आकर बहुत खुश हूँ और आप सभी से प्यार करता हूँ। अब आपके साथ बातचीत करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। वॉर के सुपरस्टार ऋतिक द्वारा घुंघरू सॉन्ग में किए गए एक सिग्नेचर स्टेप को लेकर फैंस ये भी कह चुके हैं कि ये स्टेप स्ट्रीट डांसर 3D जैसी पूरी फिल्म पर भारी पड़ गया है और 300 करोड़ से अधिक कमाने वाली इस फिल्म के सुपरहिट होने का काफी श्रेय ऋतिक को ही जाता है। फिल्मों की तरफ रुक करें तो वो सुपर 30 और वॉर में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के साथ ऋतिक के लिए वर्ष 2019 शानदार रहा था। उनके कई प्रोजेक्ट्स में काम करने को लेकर अटकलें हैं लेकिन ऋतिक ने अभी तक इसे लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। लेकिन ऋतिक का सीक्वल वॉर 2 लेकर आ रहे हैं, ये एकदम कंफर्म है और साथ ही कंफर्म है घुंघरू 2.0 का बनना। जी हाँ, एक बार फिर वॉर 2 में हमें ऋतिक का डांस देखने को मिलने वाला है। तो अब ऋतिक अपने फैंस को इस फिल्म से कौन सा सिग्नेचर स्टेप दे पाते हैं ये देखना काफी मजेदार होगा। अगर आप भी वॉर 2 से जुड़ी सारी जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो आपको देखते रहना होगा बॉल ग्राफ स्टूडियोज। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक सेफ रहे और खुश रहे। तो अब आखिर किसकी सच्चाई का पता लगा रही है मृणाल ठाकुर, जय जय शिव शंकर गाने से किसको ट्रिब्यूट दिया था ऋतिक रोशन ने? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। भाई 7 अलग अलग देशों और दुनिया भर के 15 शहरों में शूट हुई कोई भी फिल्म छोटी तो नहीं हो सकती। साल 2019 में आई टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म वॉर भी कोई आम फिल्म नहीं थी। दोस्तों 170 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म वाकई में ग्रैंड थी। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फिल्म का सीक्वल बनने की चर्चा भी जोरों पर है जिसके बारे में हम आपको अपनी वीडियो के अंत में बताएंगे। तो दोस्तों आइए उससे पहले आज जान लेते हैं वॉर से जुड़ी कुछ अच्छी और अनोखी बातें। तो दोस्तों कॉमेडी के बादशाह जॉनी लीवर को कौन नहीं जानता, पर क्या आप जानते हैं कि उनके बेटे जेसे लीवर ने इसी फिल्म से अपना डेब्यू किया था। इसके अलावा जेसी बतौर एक चाइल्ड आर्टिस्ट ऋतिक के साथ उनकी फिल्म कभी खुशी कभी गम में भी नजर आ चुके हैं। दोस्तों फिल्म का गाना जय जय शिव शंकर काफी लोकप्रिय रहा था। तो दोस्तों आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि ये गाना ऋतिक के नाना जी जी ओम प्रकाश जी के लिए एक प्यारा सा ट्रिब्यूट था। राजेश खन्ना और मुमताज पर फिल्माया गया आपकी कसम का ये गाना ओम प्रकाश जी के लिए बेहद खास था। तो दोस्तों बता दूं कि एक बात है कि वॉर की रिलीज से कुछ महीनों पहले ही मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों बता दूं कि शूटिंग को लेकर आए दिन कोई न कोई न्यू खबरें आती रहती हैं।
तो दोस्तों अब इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों दरअसल मुंबई के वसई इलाके में शूटिंग के दौरान फिल्म के जूनियर आर्टिस्ट को एक सिक्योरिटी गार्ड ने कमिश्नरी आतंकवादी समझकर पुलिस को फोन कर दिया था। तो दोस्तों जब पुलिस सेट पर पहुंची तो उन्होंने मेकर्स पर फाइन लगाते हुए बताया कि उन्होंने फिल्म की कॉस्ट्यूम में एक्टर्स को यूं ही घूमने की परमिशन क्यों दी। इतना ही नहीं, सेट और शूटिंग के रूल्स तोड़ने की वजह से उन एक्टर्स और फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन दोस्तों अगर आपने फिल्म के गाने घुंघरू टूट गए को देखा है तो गाने के पीछे बैकग्राउंड आपको भी ये जानने की उत्सुकता तो हो ही होगी आखिर ये कहां का शूट है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये गाना इटली के पोसितानो के बीचेस पर शूट किया गया था। अब दोस्तों अगर बात करें वॉर की तो फिल्म की ज्यादातर शूटिंग इंडिया में ही की गई है। ऐसे इसलिए क्योंकि कोविड खत्म होने के बाद भी मेकर्स को लग रहा था कि फ्लाइट्स इतनी जल्दी नहीं शुरू होंगी। वहीं लोगों के बीच फिल्म को लेकर उत्साह देखकर फिल्म मेकर्स इसे और टालना भी नहीं चाहते थे। तो अब दोस्तों फिल्म का निर्देशन एक बार फिर सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं जबकि लीड कास्ट में टाइगर और ऋतिक के अलावा मृणाल ठाकुर होंगी। तो दोस्तों बता दूं कि मृणाल फिल्म में एक एजेंट की भूमिका निभाएंगी जो ऋतिक और टाइगर के किरदारों का पीछा कर रही होती हैं ताकि वो उनकी सच्चाई का खुलासा कर चुके। अब दोस्तों फिल्म से जुड़ी और भी कई बातें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो बने रहिए बॉलीकास्ट स्टूडियो के साथ और देखते रहिए हमारी अपकमिंग वीडियोस को। हमारी आज की राइटर है ऋचा गर्ग। बॉलीवुड एक्ट्रेस वॉर 2 के साथ बॉलीवुड में कमबैक करने वाली है। इस फिल्म को क्या लाभ या हानि होगी और एक्ट्रेस का करियर कैसे आगे जा सकेगा, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स की फिल्मों के बारे में अपडेट डालें तब आप ही वो सबसे पहले जान पाए। सो हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। दोस्तों हमने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि कैसे यशवंत फिल्म्स को वॉर 2 में हीरोइन के रोल के लिए एक्ट्रेस की कास्ट करने में दिक्कत हो रही है। कई सारी बड़ी हीरोइन के पास ये रोल गए हैं लेकिन यहाँ पे भी गायर अपना ट्रेंड फॉलो कर रही है जो उन्होंने हमेशा से ही सारे फ्रेंचाइजीज के साथ किया है। वॉर यशवंत फिल्म की धूम के बाद एक और बड़ी एक्शन और थ्रिलर फ्रेंचाइजी है। धूम की फर्स्ट फिल्म में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा थे जिनको अगले नेक्स्ट 2 फिल्म्स में भी कंटिन्यू किया गया था। अगर जो भी फिल्म में एक नेगेटिव किरदार या एक वांटेड थीफ के रोल में नजर आए थे वो हर फिल्म में बदलते गया। पहले में जॉन अब्राहम, दूसरे में ऋतिक रोशन और तीसरे में आमिर खान। इट केप्ट गेटिंग बिगर एंड बिगर। एक्ट्रेसेस में भी पहले में ईशा देओल को लिया गया था मगर नेक्स्ट दोनों फिल्म्स में ऐश्वर्या राय और कटरीना कैफ को लिया गया था जिनकी कमर्शियल वैल्यू ईशा से काफी ज्यादा है और साथ में दोनों बेहतरीन डांसर भी ठीक जैसे ऋतिक और आमिर भी है। आमिर खान भी काफी अच्छे डांस करते हैं यार, मतलब हाँ जरूर एचआर की तरह लहरों जैसे तो नहीं झूमते मगर फिर भी अच्छे डांसर हैं वो भी। सुना जा रहा है कि वाणी कपूर की बिग टिकट फिल्म वॉर से ज्यादा को फायदा नहीं हो पाया। कई सारी एक्ट्रेसेस रोल से कतरा रही है और ऐसा प्रेजुडिस एक्ट्रेसेस का सिर्फ वॉर के प्रति हुआ है क्योंकि बाकी फिल्म्स में ऋतिक रोशन के ऑपोजिट काम लेंथ को नजर आ रहे हैं। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक है, फाइटर ऋतिक के ऑपोजिट भी है। क्रश 4 में कियारा आडवाणी है। यहाँ प्रेजुडिस इसलिए है क्योंकि वॉर के पहले पार्ट में पूरा लाइमलाइट ऋतिक को मिला था लेकिन एक एक्ट्रेस अभी शायद मानने वाली है वॉर के सीक्वल करने के लिए। इस एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत वायरफ के साथ ही की थी। उन्होंने अपने करियर के 13 साल में बहुत खूबसूरत फिल्मों में काम किया है जिनमें से कुछ फिल्म्स ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स भी रह चुकी है। 3 खान के साथ काम कर चुकी इस एक्ट्रेस ने एक फिल्म का अवार्ड भी पाया है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। अभी एज अ प्रोड्यूसर काफी अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड कर रही है जो आजकल नेटफ्लिक्स और अमेजॉन जैसे स्ट्रीमिंग जॉइंट्स पर रिलीज हो रही है। ये एक्ट्रेस आखिरी बार किसी फिल्म में 2018 में दिखी थी एक खान के ऑपोजिट और अभी तक फिल्म में वापस नहीं आई है और अभी एक बड़ी इंडियन सेलिब्रिटी से शादी भी कर चुकी है। इस एक्ट्रेस को हम एक फीमेल क्रिकेटर की बायोपिक में देख सकते हैं लेकिन सुना जा रहा है कि उनका कमबैक भी धमाकेदार होने चाहिए और शायद इसलिए उनका वॉर 2 में देखा जा सकेगा। एक हिंट बताएं, वो बॉलीवुड की न्यूएस्ट मम्मीज में से है। क्या आपको लगता है कि एक्ट्रेस भी अपनी सेकंड इनिंग उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ शुरू करेगी जिसके साथ उन्होंने अपना करियर शुरू किया था? वैसे कमेंट्स में इनका नाम भी गेस करके बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और अब फिर हाजिर होंगे आपके मन पसंदीदा सितारों से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग खबर को लेकर। क्या होने वाला है वॉर 2 एक मल्टीपल स्टार कास्ट फिल्म? फहाद, विजय या प्रभास, कौन होगा विलन? क्या 2023 में होने वाला है वॉर 2 रिलीज? अनडाउटेबली यशराज फिल्म का ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर में से एक है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का वॉर। यह फिल्म 2019 में हर एक सिनेमा घरों को आग लगा दी थी। ऋतिक और टाइगर के एक्शन सीक्वेंस, डांस और लुक्स ने ऑडियंस को पागल कर दिया था। यह फिल्म रिलीज होने के कुछ दिन में 300 करोड़ के खाते में अपना नाम लिखवा लिया था। अब इस फिल्म का आने वाला है पार्ट 2 और वॉर फैंस को हम बता दें कि फिलहाल डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। इस फिल्म में हम देख सकते हैं विजुअल इफेक्ट से भरपूर एक फिल्म जो एनहांस करने वाला है इस फिल्म का हर एक एक्शन सीक्वेंस को। सिर्फ वही नहीं, इस बार
सिर्फ एक्शन सीक्वेंस के लिए वॉर 2 का प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफी बढ़ा दिया गया है। इस बार वॉर 2 में हम देख सकते हैं एक नहीं बल्कि 2-3 मेन कैरेक्टर्स, जिसका मतलब है फिल्म में ऋतिक तो होंगे ही लेकिन साथ में ही 2 और नए कैरेक्टर को भी बतौर अंडरकवर ऑफिसर्स देखा जा सकता है और उनमें से एक हो सकती है फीमेल कैरेक्टर भी। वॉर 2 में हम देख सकते हैं ग्रुप मिशन और इस बार शायद फोकस सिर्फ एक कैरेक्टर पर नहीं बल्कि सभी कैरेक्टर्स पर होगा। वॉर 2 में कोई हीरो का कॉन्सेप्ट ना देखने को मिल सकता है और एक ट्रू स्पाई स्टोरी देखने को मिल सकती है, मगर जो कि ये फिल्म बॉलीवुड है यहाँ गाना बजाना तो होता ही होगा, इसीलिए हम देख सकते हैं घुंघरू 2.0 में और भी कूल डांस स्टेप्स। इस फिल्म में होने वाला है एक विलन जो कि पोर्ट्रे कर सकता है साउथ फिल्म इंडस्ट्री का डार्लिंग। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रभास की। हाल ही में सिद्धार्थ ने प्रभास के साथ हैदराबाद में मीटिंग्स की थी और उन्होंने उन्हें एक मूवी का ऑफर भी किया। उनके हिसाब से यह प्रभास की कैरियर का सबसे बड़ा फिल्म बन सकता है। यह फिल्म होने वाला है एक पैन इंडियन स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर। सिद्धार्थ के इस आइडिया और विजन से इम्प्रेस होकर प्रभास ने उन्हें अगली बार स्क्रिप्ट लाने को कहा, लेकिन अगर किसी वजह से प्रभास ने मना कर दिया इस फिल्म को तो इस फिल्म के लिए फवाद फजील और विजय सेनापति से अच्छा चॉइस और कोई नहीं होगा। दोनों टॉप क्लास एक्टर्स भी हैं और स्पेशली फवाद को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। उनके एक्टिंग स्टाइल को तो इरफान खान से कंपेयर किया जाता है। तो कब होने वाली है रिलीज वॉर 2? कब मिलेगा इसके बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज़? वॉर के लॉन्च पार्टी में भी सिद्धार्थ आनंद ने ये कहा था कि वो वॉर के सीक्वल के बारे में सोच रहे हैं। होपफुली वॉर 2 2023 तक कंफर्म हो जाएगी रिलीज के लिए। तो आप है तैयार वॉर 2 में देखने के लिए? ये अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और बॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ के लिए बॉलीवुड राज स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या आने वाला है एक्शन थ्रिलर का धमाकेदार कॉम्बो? क्या गुरु चेले की जोड़ी फिर से करने वाली है कमाल? क्या वापस से टूटने वाले हैं बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड्स? बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़ी रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं वॉर की आने वाली सीक्वल वॉर 2 के बारे में, जिसकी फर्स्ट फ्रेंचाइजी ने बॉलीवुड को एक कमाल की जोड़ी दी जिसने अपनी एक्शन थ्रिलर अवतार से सभी के होश उड़ा दिए थे। वॉर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया था। इसे प्रोड्यूस आदित्य चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के तहत किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट थी और इसे प्रशंसकों और आलोचकों से समान रूप से समीक्षा प्राप्त हुई थी। 2019 की इस फिल्म में ऋतिक रोशन भी मुख्य भूमिका में थे। ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर स्टारर वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर 315 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं आनंद की वॉर 2 की 2023 में रिलीज होने की उम्मीद की जा रही है। वॉर की लंच पार्टी में सिद्धार्थ आनंद ने पुष्टि की थी कि वो वॉर 2 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और फिल्म को फ्रेंचाइज में बदलने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें फिल्म की लीड ऋतिक रोशन अपनी भूमिका को दोहराएंगे। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें इस फिल्म को फ्रेंचाइजी में बदलने का विचार तब आया जब फैंस से उन्हें इस फिल्म के लिए इतना प्यार मिला। आपको बता दें कि फिल्म वॉर के सक्सेस के बाद सिद्धार्थ आनंद बॉलीवुड के काफी डिमांडिंग डायरेक्टर में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला है और जहां हम अभी भी कबीर और खालिद की केमिस्ट्री से शौक में हैं, वहीं फिल्म के एक्टर टाइगर श्रॉफ ने हाल ही में वॉर सीक्वल का हिस्सा बनने की बात कही और अपनी इच्छा जाहिर करके कहा कि वो बैकग्राउंड डांसर बनने के लिए भी तैयार है। इस फिल्म के लिए वॉर में नैना का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री वाणी कपूर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में टाइगर श्रॉफ को टैग किया और उनसे उनके साथ काम करने के अनुभव के बारे में पूछा, जिस पर बागी 3 अभिनेता ने जवाब दिया, उम्मीद है कि हम दोनों अगली कड़ी के लिए वॉर में वापस आएंगे और मैं आपके और कबीर के घुंघरू 2.0 में एक बैकग्राउंड डांसर भी हो सकता हूँ। अपने 31st जन्मदिन पर टाइगर श्रॉफ ने भी अपनी एक्शन फिल्म वॉर की अगली फ्रेंचाइजी वॉर 2 पर मोहर लगा दी थी। तब टाइगर श्रॉफ को अपनी गर्लफ्रेंड दिशा पठानी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए मुंबई के एक रेस्टोरेंट में स्पॉट किया गया था। उनके 31st बर्थडे पर उनके फैंस ने भी उन्हें ढेरों बधाइयां दी थी। एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट को दिए बयान में टाइगर ने इशारा दिया कि वॉर का
सीक्वल जब आएगा उसमें उनका भी रोल होने वाला है। वॉर के सीक्वल की ओर इशारा करते हुए टाइगर ने एक बार फिर बॉलीवुड हंगामा से कहा, वॉर अभी दूसरे लेवल पर पहुंच गया है और मुझे अपने आइडल ऋतिक सर के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करना स्वीकार करना होगा। ये एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। वो मेरे पूरे जीवन के लिए एक प्रेरणा रहेगी और अब उन्हें इतने करीब से देखना और उनसे कई चीजें सीखना मेरे लिए बेहतरीन अनुभव था। जहाँ तक फिल्म में मेरे कैरेक्टर को वापस लाने की बात है, मैं इस समय केवल इतना ही कहूँगा कि आपने वॉर में मेरा शरीर नहीं देखा है ना? इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम दोनों यानी टाइगर और ऋतिक एक साथ मूवी में वापस नजर आ सकते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी यात्रा के बारे में बात करते हुए टाइगर ने कहा, आज के समय में हर अभिनेता को लगातार अपने पैर की उंगली पर रहना पड़ता है। एक अभिनेता के रूप में 6 साल के दौरान मुझे जो कुछ भी मिला है उसके लिए मैं आभारी हूँ। भगवान ने मुझे जो सफलता दी है उसे मैं ना खो दूं, ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत में रोज कर रहा हूँ। टाइगर के आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उन्होंने अपने एक और सीक्वल प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। वो है उन्हीं की एक्शन थ्रिलर फिल्म हीरो पंती का सीक्वल हीरो पंती 2, जिसमें उनकी को एक्ट्रेस कृति सेनन होने वाली है। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान ने अपनी आने वाली फिल्म पठान की शूटिंग शुरू कर दी है और जल्द ही फिल्म की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी उन्हें ज्वाइन करने वाली है, जहां उन्हें एक एजेंट का रोल प्ले करना है। वहीं मुंबई मिरर की स्पेशल रिपोर्टों की माने तो यूनिवर्स ऑफ स्पेशल एजेंट के प्लान के तहत सलमान खान कैटरीना कैफ की जोड़ी टाइगर फ्रेंचाइजी से और शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी आने वाली फिल्म पठान से ऋतिक रोशन की वॉर फ्रेंचाइजी में कैमियो करने वाली है। एक बस के अनुसार अगर सब कुछ प्लान के अनुसार होता है तो टाइगर और पठान कबीर ऑल्सो नोन एज ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर फ्रेंचाइजी में अपना स्पेशल अपीयरेंस लेके आएंगे। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सारी चीजें प्लान के अनुरूप हुई तो आने वाली वॉर फ्रेंचाइजी ग्लैमर एक्शन और भरपूर सितारों से भरी होगी। तो क्या लगता है आपको, ये मल्टी स्टारर प्लान प्रोजेक्ट होने वाला है सक्सेसफुल? क्या निकल पाएंगे ये डायरेक्टर आनंद की फिल्म के लिए समय? हमें कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हम बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि इसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ। क्या इंडियन आर्मी की लाइफ नहीं होती आसान? क्या फिल्म में दिखाए गए सारे सीन्स जस्टिफाई करते हैं आर्मी लाइफ को? क्या आने वाली फिल्म के लिए मेकर्स को इंडियन आर्मी का करना पड़ेगा थोड़ा रिसर्च? आज हम बात करने जा रहे हैं आने वाली फिल्म वॉर 2 के बारे में, जिसके फर्स्ट पार्ट की एंडिंग ने ही इसके सेकंड पार्ट के लिए रास्ते खोल दिए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताएंगे। वॉर कबीर और खालिद के बारे में है, जो इंडियन आर्मी के दो अधिकारी हैं। कबीर खालिद का मेंटर है और वो दोनों काफी करीबी बॉन्ड शेयर करते हैं। यही वजह है कि जब खालिद को कबीर को टारगेट करके उसे मारने के आदेश मिलते हैं तो वो चौंक जाता है। फिल्म सीरीज ऑफ फ्लैशबैक में जाती है और दिखाती है कि कैसे कबीर और खालिद ने अपना बॉन्ड स्थापित किया और कैसे सारे पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स को अंजाम दिया। कई हालिया फिल्मों की तरह वॉर भी भारतीय सेना के साहस और बलिदान को सामने लाना चाहती थी। हालांकि फिल्म के मेकर्स को इस फिल्म को बनाने से पहले आर्मी लाइफ पर रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। मेकर्स द्वारा फिल्म में किए गए कुछ मिस्टेक्स हैं जो काफी इजीली आइडेंटिफाइबल हैं। पहली गलती उस सीन में जब खालिद की एंट्री दिखाई जाती है, वो यूरोपियन कंट्री में एक ड्रग रिंग को खत्म कर रहा होता है, जहां वो सिविलियन कपड़ों में होता है और क्रिमिनल को हेरोइक अंदाज में पीटता है और अकेले ही जीत भी जाता है। इस सीन में ऐसा लग रहा था कि मानो ये सीन बस टाइगर के कैरेक्टर के स्वैग को दिखाने के लिए हो, क्योंकि आमतौर पर जूनियर लेफ्टिनेंट या कैप्टन के रैंक वाले ऑफिसर्स को कभी भी अकेले लोन मिशन पर फौरन नहीं भेजा जाता। उनके पास इंडिया में करने को बहुत कुछ होता है। दूसरी गलती तब होती है जब खालिद कबीर को अपनी काबिलियत साबित करता है और एक मिशन पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लोग उसे लेफ्टिनेंट कहना बंद कर कैप्टन कहने लगते हैं, पर रियलिटी में ये अर्ली प्रमोशन टाइम बाउंड होता है और एक लेफ्टिनेंट केवल 2 साल की एक्टिव सर्विस के बाद ही कैप्टन बन सकता है, ना कि अचानक अपनी योग्यता साबित करने पर। तीसरी गलती जहां एक सीन में खालिद की माँ उसे मिलने आर्मी यूनिट के एंट्रेंस गेट पर आ जाती है, जबकि सिविलियंस को अपने बेटों से मिलने और पूजा करने के बाद उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आर्मी यूनिट तक जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती। चौथी गलती जिसे कभी भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, खालिद एक आंख से पार्शियली ब्लाइंड है और कुछ समय तक इसे छुपाने में कामयाब भी रहता है। वैसे तो ये फिल्म के प्लॉट के लिए जरूरी था, लेकिन रियलिटी में आर्मी एकेडमी में एंट्री पाने से पहले एसएसबी और मेडिकल टेस्ट इन कमियों को तुरंत पता लगा लेती है, जिस कारण खालिद कभी आर्मी में शामिल हो ही नहीं पाता। पांचवी गलती जय जय शिवशंकर गाने के दौरान, जिसे यूनिट के अंदर होली सेलिब्रेट करते हुए दिखाया जाता है।
यहाँ पर डांसर्स और स्किम्पी आउटफिट्स में बैकग्राउंड में लड़कियां नाच रही हैं, जो कि रियलिटी में किसी भी आर्मी यूनिट में नहीं होता। बेसिकली इस पूरी फिल्म के अंदर इंडियन आर्मी ऑफिशियल की एक एक्सट्रीमली ग्लैमरस पोर्ट्रेयल को दिखाया गया है। इस फिल्म की आने वाली सीक्वल भी मोस्ट प्रोबेबली आर्मी पर ही बेस्ड होने वाली है, तो मेकर्स से उम्मीद है कि वो इन पहलुओं पर जरूर गौर फरमाएंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि ये फिल्म पूरी तरीके से आर्मी लाइफ को नहीं कर पाती जस्टिफाई? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और बॉली ग्रैड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्यों नहीं देखने आते लोग अगर सिर्फ टाइगर ही होते कास्ट का हिस्सा? क्या फहाद फासिल होंगे शामिल वॉर 2 में? क्या वॉर 2 होने वाला है 2023 को रिलीज? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। वॉर यशराज फिल्म के सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है। अगर धूम सीरीज के बाद YRF की कोई मूवी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई है तो वो वॉर ही होगी। अब इंतजार है उसी वक्त का जब वॉर का सीक्वल यानी वॉर 2 परे पर्दे पर रिलीज किया जाएगा। द वॉर इज ऑन यही कहते हुए एंड हुई थी ऋतिक और टाइगर की फिल्म वॉर, जो 2019 में रिलीज हुई थी और सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर भी बनी थी। तो इसी वॉर को क्या आगे बढ़ाया जाएगा, क्या है इस फिल्म के डेवलपमेंट्स, आइए जानते हैं इसके सीक्वल के बारे में। वॉर मूवी के तमाम फैंस को हम बता दें कि इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने वॉर 2 पर काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है और वॉर 2 होने वाली है 2022 के मिड में शूट। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के अलावा इस पिक्चर में वाणी कपूर का भी एक अहम किरदार होने वाला है। ऋतिक और टाइगर ने अपने डायनेमिक और एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस, स्टंट्स और डांस से ऑडियंस का दिल जीत लिया था वॉर के पहले पार्ट में। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वॉर के सीक्वल में क्या वो यही कमाल दिखा पाते हैं या फिर नहीं। बात करें टाइगर श्रॉफ की, तो उन्होंने ना जाने कितनी दफा ये बात कहा है कि ऋतिक रोशन उनके अल्टीमेट इंस्पिरेशन हैं। डांस से लेकर स्टंट्स तक सब कुछ वो ऋतिक रोशन से ही सीखते हुए आए हैं। आखिर कौन अपने आइडल के साथ मिलना नहीं चाहेगा, लेकिन टाइगर ने तो मिलने के साथ साथ अपने आइडल के साथ फिल्में भी कर ली। लेकिन क्या है ऋतिक का बयान टाइगर के बारे में? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हुए दिखे। उनके मेहनत और लगन को देख ऋतिक ने कहा कि टाइगर के साथ अगर मौका मिला तो वो दोबारा जरूर काम करेंगे। तो टाइगर को तो मिल गया है ग्रीन कार्ड ऋतिक रोशन से, लेकिन क्या वॉर 2 को ये ग्रीन कार्ड मिल पाएगा? तो दोस्तों हम आपको बता दें, इस फिल्म को 2023 तक रिलीज करने की तैयारी है। जी हाँ, फिलहाल फिल्म के मेकर्स वॉर 2 के स्क्रिप्टिंग पर काम कर रहे हैं। ऑडियंस में तो वॉर पिक्चर ने धूम मचा दिया था, लेकिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म को काफी क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि वॉर एक और ऐसी फिल्म बनी थी जिसमें मुस्लिम्स को नेगेटिव लाइट में दर्शाया गया था। सिर्फ यही नहीं, फिल्म के डायलॉग्स भी कुछ ऐसे थे जिसमें इस कम्युनिटी को नेगेटिव तरीके से पेश किया गया। अब बात करें वॉर 2 की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस फिल्म के लिए दर्शक तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। साथ ही इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि लोग ऋतिक रोशन को बड़े पर्दे पर देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं टाइगर श्रॉफ के कंपैरिजन में। इसके पीछे का कारण ये है कि टाइगर श्रॉफ फिलहाल बैक टू बैक एक्शन फिल्में कर रहे हैं और ऑडियंस एक स्टार्स को वैरायटी ऑफ रोल्स में देखना पसंद करती है। अगर टाइगर श्रॉफ बार बार एक जैसा ही किरदार निभाते हुए दिखेंगे तो निश्चित तौर पर ऑडियंस भी बोर हो जाएगी। अब बात करते हैं फिल्म के थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, जो होता है विलन का कैरेक्टर, उसके बारे में। तो दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में फहाद फासिल निभा सकते हैं विलन का किरदार। आप सभी कितने एक्साइटेड हैं वॉर 2 के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
रोशन रिप्राइज करेंगे कबीर का रोल। टाइगर की प्रेजेंस वॉर 2 में क्यों है क्वेश्चनेबल? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज, मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवीज में काउंट की जाने वाली वॉर मूवी के सीक्वल के बारे में। वॉर मूवी ने काफी बढ़िया बेंचमार्क सेट किया था डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद द्वारा 2019 में। वॉर की सक्सेस के बारे में बात करते हुए सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने 2012 से ही एक्शन मूवीज डायरेक्ट करना शुरू किया था। बैंग बैंग मूवी उनकी वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी रही थी, जिसके एक्शन सीन्स काफी ज्यादा न्यू और इनोवेटिव थे, जो बॉलीवुड में आई पहले की सभी एक्शन फिल्म से बिल्कुल अलग था। सिद्धार्थ आनंद अपनी ऑडियंस को कुछ और भी ज्यादा एंटरटेनिंग और एक्शन पैक देना चाहते थे बैंग बैंग से भी ज्यादा, और उन्होंने पेश की वॉर मूवी जिसमें एक नहीं बल्कि दो बॉलीवुड के बेस्ट एक्शन हीरोज एक साथ नजर आए थे, टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन। टाइगर ऋतिक की फिजिक काफी हद तक सिमिलर है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोनों ही एक्टर्स बॉलीवुड में अपने एक्शन और डांस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर भी हैं। वॉर मूवी के फेमस सॉन्ग जय जय शिव शंकर की शूटिंग के वक्त ही दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज भी किया था डांस फ्लोर पे कि आखिर कौन ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि दोनों ने बहुत ही ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन आपके अकॉर्डिंग दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन था हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे वॉर 2 मूवी के बारे में डायरेक्टर सिद्धार्थ ने अपनी कंफर्मेशन दी है और उन्होंने ये भी बताया है कि ऋतिक रोशन अपने कबीर के रोल को दोबारा रिप्राइज करेंगे, लेकिन टाइगर श्रॉफ के वॉर 2 की प्रेजेंस को लेकर स्टोरी लाइन पे काम किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वॉर मूवी में टाइगर के कैरेक्टर की डेथ हो जाती है, जिस वजह से वॉर 2 में टाइगर के रोल को दोबारा जिंदा करना इम्पॉसिबल है। वॉर 2 में टाइगर श्रॉफ की प्रेजेंस रहने के सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉसिबल वे आउट है, जिसमें पहला है कि किस सभी स्टोरी को जरिए ये प्रूव कर दिया जाए कि टाइगर के कैरेक्टर की डेथ नहीं हुई थी, और दूसरा तरीका है कि वॉर 2 मूवी अपने प्रीक्वल मूवी को स्टोरी को फॉलो ना करे। अब देखना ये होगा कि वॉर फ्रेंचाइजी की टीम क्या फैसला लेगी। वैसे आपके हिसाब से इस बारे में क्या विचार है कि टाइगर को न्यू रोल दिया जाए या फिर पिछले रोल की स्टोरी लाइन को मॉडिफाई किया जाए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं आज के वीडियो को। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपने मन पसंदीदा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियो। भी किसी हॉलीवुड फिल्म की कॉपी रही थी? YRF के क्रॉसओवर से कैसे वॉर 2 एक ओरिजिनल फिल्म बन सकती है? ऋतिक और टाइगर की हैवी एक्शन फिल्म वॉर बॉलीवुड की बेस्ट एक्शन फिल्म रही थी, जिसके एक्शन ने हॉलीवुड फिल्मों को भी एक टाइम के लिए कॉम्प्लेक्स दे दिया था। अभी हम इस बात पे प्राउड हुए ही थे कि फाइनली बॉलीवुड बिना कहीं से कुछ कॉपी किए हुए वर्ल्ड क्लास सिनेमा बना रहा है, तब ये भ्रम टूट गया और पता चला कि वॉर भी एक हॉलीवुड फिल्म की महंगी कॉपी रही थी। तो कौन सी है वो हॉलीवुड फिल्म, जानने के लिए बने रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट पंखुरी। वॉर फिल्म जिस हॉलीवुड एक्शनर से इंस्पायर्ड रही थी, उसका टाइटल भी सिमिलर ही था, यानी कि वॉर। हॉलीवुड की इस फिल्म में स्टार्स थे जेसन स्टैथम और जेटली, और जहाँ तक कॉपी करने की बात है तो बॉलीवुड ने इस फिल्म के काफी मेन प्लॉट्स अपने वर्जन में यूज किए हैं। सबसे पहले तो वॉर थीम, जो कि दो एक्शन हीरोज के बीच की फाइट को दिखाता है, इस थीम को उठाया गया। इसके बाद बॉलीवुड वॉर का मेन ट्विस्ट, यानी कि टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर की प्लास्टिक सर्जरी का मेन प्लॉट भी हॉलीवुड वर्जन से ही कॉपी किया गया था, जहां बॉलीवुड वर्जन में ऋतिक यानी कबीर का कैरेक्टर बागी हो जाता है और इसी में सारे लफड़े की शुरुआत होती है। कुछ सेम ही मामला इसके इंस्पिरेशन हॉलीवुड वॉर में भी रहा था। हालांकि एक एस्पेक्ट में बॉलीवुड वॉर स्टैंड आउट करती है जरूर, वो है इसका हाई ऑक्टेन एक्शन, मगर जब तक ओरिजिनल स्टोरी ना मिले तो एंटरटेनमेंट अधूरा सा ही लगता है। जबकि ऐसे हालात भी नहीं है कि बॉलीवुड में ओरिजिनल राइटर्स की कोई कमी हो, तो जब वॉर जैसे बिग बजटेड प्रोजेक्ट बनाने ही हैं,
तो क्यों ना एक बढ़िया ओरिजिनल स्टोरी के साथ में लेकर इसे चला जाए। बॉलीवुड हाल फिलहाल इसी ब्लॉक से गुजर रहा है, जहां हमें या तो साउथ इंडियन फिल्म्स के रीमेक या फिर हॉलीवुड फिल्मों के रीमेक काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए सवाल ये भी उठता है कि क्या वॉर सीक्वल में भी हमें किसी और फिल्म की परछाई ही देखने को मिलेगी। अब असल में क्या होगा वो तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन वॉर के प्रोड्यूसर साथ ही साथ कुछ ऐसा जबरदस्त प्लान भी कर सकते हैं जिससे फिल्म को फायदा हो, और कम से कम ये तो परफेक्ट हो ही जाए कि ये फिल्म आने वाली है और हिट होने वाली है और यूनिक निकलेगी। ये अप्रोच है स्पाई यूनिवर्स क्रॉसओवर, जहां हमें वॉर, पठान और टाइगर फ्रेंचाइजी के रेगुलर क्रॉसओवर्स जल्द ही देखने को मिलने वाले हैं। जब अपने अकॉर्डिंग क्रॉसओवर्स को प्लान करना है तो जाहिर है स्टोरी भी उसी हिसाब से टेलर फिट होनी चाहिए। यहाँ किसी हॉलीवुड फिल्म स्टोरी को कॉपी करने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि उसकी स्टोरी का मैथ कुछ अलग ही होगा। इसी के चलते राइटर्स और फिल्म मेकर्स के दिमाग के घोड़े सही डायरेक्शन में दौड़ेंगे और अल्टीमेटली कुछ न कुछ नया निकल के ही सामने आएगा। क्रॉसओवर्स का ये कॉन्सेप्ट ऑडियंस को काफी फैसिनेटिंग भी लग रहा है, और जब धीरे धीरे ये एक्साइटमेंट रिस्पॉन्स में बदलेगी तो फिल्म मेकर्स थोड़ी और रिलेटेबल स्टोरीज क्रैक करने की भी सोचेंगे ही। क्रॉसओवर्स का यही एपिसोड वॉर 2 के साथ भी जल्द ही शुरू हो सकता है, जहां हमें कबीर, पठान और टाइगर एक साथ डेडली मिशन पे जाते हुए भी दिखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। टाइगर श्रॉफ के होने के चांसेस काफी कम है, क्या होने वाली है वॉर 2 की स्टोरी लाइन? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जो 2019 की ब्लॉकबस्टर पिक्चर रही थी, जिसमें ऑडियंस को दमदार और तगड़ा एक्शन देखने को मिला था, और इस फिल्म के लिए दो सुपरस्टार्स ने कोलैब भी किया था। हम बात कर रहे हैं वॉर मूवी की। जल्द ही आने वाले दिनों में वॉर फिल्म का सीक्वल बनने वाला है, और इसका हिंट खुद फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने दिया है, जिन्होंने वॉर के पहले पार्ट को डायरेक्ट किया था। वॉर फिल्म में एक साथ नजर आए थे टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही टाइगर श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी डाली थी, और उन्होंने अपकमिंग फिल्म वॉर 2 में काम करने की इच्छा भी जताई थी। उन्होंने ये लिखा था कि मुझे बहुत मन है मैं वॉर 2 में काम करूं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, वॉर फिल्म में टाइगर के किरदार की मौत हो जाती है, और ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही है कि वॉर की ही कहानी को वॉर 2 में आगे बढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो शायद हमें टाइगर श्रॉफ वॉर 2 में ना नजर आए। हालांकि टाइगर श्रॉफ वॉर 2 में काम करने को लेकर इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं वॉर पिक्चर में भले ही साइड रोल निभाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं वॉर 2 का हिस्सा बनूं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऋतिक रोशन के साथ किसी गाने में परफॉर्म कर लूंगा, लेकिन मेरी ये दिली इच्छा है कि मैं वॉर 2 में कोई ना कोई काम जरूर करूं। मूवी मेकर्स के मुताबिक ऋतिक रोशन वॉर 2 में एक केस को सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है कि टाइगर श्रॉफ वॉर के सीक्वल में दिखेंगे या फिर नहीं। मैं आपको इतना बता दूं कि वॉर पिक्चर एक बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई थी, और खास तौर पर टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की जोड़ी को लोगों का भरपूर प्यार मिला था। वॉर फिल्म में टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन दोनों का ही परफॉर्मेंस जबरदस्त था। इनके एक्शन सीक्वेंस को और जिस तरीके से इन दोनों ने स्टंट परफॉर्म किया था, डांसिंग परफॉर्मेंस दी थी, लोगों को भाग गए थे पूरी तरीके से। वेल, आप सभी क्या चाहते हैं वॉर 2 में टाइगर श्रॉफ का किरदार बने रहे, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। यशराज फिल्म की धूम के बाद एक बहुत बड़ी एक्शन और थ्रिलर फ्रेंचाइजी है। धूम के फर्स्ट फिल्म में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा थे, जिनके किरदारों को अगले दो फिल्म्स में भी कंटिन्यू किया गया था, मगर जो भी नेगेटिव किरदार या उस वांटेड थीव के रोल में नजर आया वो हर फिल्म में बदलता गया। पहले जॉन अब्राहम, फिर ऋतिक रोशन और तीसरी फिल्म में आमिर खान। इट केप्ट गेटिंग बिगर एंड बिगर। एक्ट्रेसेस में भी पहले ईशा देव थी, मगर नेक्स्ट दोनों फिल्म्स में ऐश्वर्या राय और कटरीना कैफ को लिया गया, जिनका कमर्शियल वैल्यू भी ईशा देओल से ज्यादा है, और साथ में दोनों बेहतरीन डांसर्स भी हैं, ठीक जैसे ऋतिक और आमिर हैं। आमिर खान भी काफी अच्छे डांसर हैं, हाँ जरूर ऋतिक रोशन की तरह लहरों जैसे नहीं झूमते।
सुना जा रहा है कि वाणी कपूर की बिग टिकट फिल्म वॉर से ज्यादा कोई फायदा नहीं होने के बाद कई सारी एक्ट्रेसेस इस रोल से कतरा रही हैं और ऐसा एक प्रेजुडाइज एक्ट्रेसेस का सिर्फ वॉर के प्रति हुआ है क्योंकि बाकी फिल्म्स में वो ऋतिक रोशन के ऑपोजिट कम लेंस रोल्स में नजर आ रही हैं। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक फाइटर में ऋतिक रोशन के ऑपोजिट है। फिर क्रिश 4 में भी कियारा आडवाणी है। ये प्रेजुडाइज इसलिए है क्योंकि वॉर के पहले पार्ट में पूरा लाइमलाइट ऋतिक को मिला, लेकिन एक एक्ट्रेस अभी शायद मानने वाली है वॉर के सीक्वल में। इस एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत YRF के साथ ही की थी। उन्होंने अपने करियर के 13 साल में बहुत खूबसूरत फिल्में की हैं, जिनमें से कुछ फिल्म्स ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही हैं। तीनों खान्स के साथ काम कर चुकी इस एक्ट्रेस ने एक फिल्म फेयर अवार्ड भी पाया है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। अभी ये एज अ प्रोड्यूसर काफी अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड कर रही है जो आजकल नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे स्ट्रीमिंग जॉइंट्स पर रिलीज हो रहे हैं। ये एक्ट्रेस आखिरी बार 2018 में देखी गई थी एक खान के ऑपोजिट और अभी तक फिल्म में वापसी नहीं की है। एक और बड़े इंडियन क्रिकेटर सेलिब्रिटी से शादी कर चुकी हैं ये एक्ट्रेस और एक फीमेल क्रिकेटर के बायोपिक में भी देखी जा सकती हैं। लेकिन सुना जा रहा है कि उनका कमबैक भी धमाकेदार होना चाहिए और शायद इसीलिए वॉर 2 में उन्हें देखा जा सकता है। एक हिंट बताऊं, वो बॉलीवुड की न्यूएस्ट मॉम्स में से एक है। क्या आपको लगता है कि ये एक्ट्रेस भी अपना सेकेंड इनिंग्स उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ शुरू कर पाएंगी जिसके साथ उन्होंने अपना करियर शुरू किया था? वैसे कमेंट में आप हमें नाम गेस करके भी बता सकते हैं इस एक्ट्रेस का। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को बिल्कुल मत भूलिए सब्सक्राइब करना। आज की स्क्रिप्ट लिखी है साई श्रेष्ठ दास ने। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज को और चैनल दोस्तों। मशहूर फिल्म क्रिटिक राजीव ने एक बार फिर बायसेप्स के पॉडकास्ट चैनल पर कहा था कि बॉलीवुड बहुत ही चालाक है। जिस समय उसे पता चलता है कि कोई फेमस है उसे वो फिल्म में ले लेते हैं और ये बात सच है और इसमें कोई बुराई भी नहीं क्योंकि आखिर में फिल्म की मार्केटिंग भी तो करनी पड़ती है। इंटरनेट सेंसेशन प्रिया प्रकाश जिस क्लिप में आंख मार के फेमस हुई थी वो दरअसल एक फिल्म थी जिसमें उनका सपोर्टिंग किरदार है, लेकिन उनके इस वीडियो को वायरल होने के बाद कई बड़ी फिल्मों में लीड रोल में कास्ट किया गया इंक्लूडिंग हिंदी फिल्म श्रीदेवी बंगलो। ऐसे ही कैरी मिनाटी को अजय देवगन की फिल्म मेडे के लिए साइन किया गया है। और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बॉलीवुड में काम करने के लिए काफी उत्सुक हैं। आखिर कौन अपने आप को फिल्मों में देखना नहीं चाहेगा। एक और पॉपुलर मीडियम जिससे कई सारे एक्टर्स सिंगर सेलिब्रिटीज अपना करियर रिबूट करते हैं वो है रियलिटी टीवी। रियलिटी टीवी शोज में अक्सर सेलेब्स कंटेस्टेंट बनके आते हैं। इस तरह का ही एक शो है बिग बॉस। बिग बॉस से कई सारे सेलेब्स पहले से ज्यादा फेमस हो चुके हैं। सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसा ही नाम है जो आजकल हर दो दिन में एक बार ट्विटर पर ट्रेंड करता है और उनके साथ शहनाज गिल भी है। हैशटैग सिडनाज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है सोशल मीडिया पर। शुक्ला ने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में काम करने के साथ साथ ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 में नजर आए थे और अभी प्रभास स्टारर आदि पुरुष में एक रोल बैक कर पाए हैं और इनका ये स्टडी राइज बिग बॉस के बाद हुआ है। श्वेता तिवारी भी बिग बॉस के बाद कई शोज में दोबारा आने लगी, जैसे परवरिश, मेरे डैड की दुल्हन, राखी साउंथ को भी अभी इतनी फैन फॉलोइंग वापस से मिली है इस सीजन के बाद। लेकिन अभी वॉर 2 में कौन सा कंटेस्टेंट वापस आने वाला है? क्या शुक्ला को ऋतिक रोशन के अपोजिट विलन के रोल में कास्ट किया गया है? क्यों? तो दोस्तों हम यहाँ एक्ट्रेस की बात ही नहीं कर रहे थे। बिग बॉस में एक और कंटेस्टेंट थे राहुल वैद्य, जो इंडियन आइडल के पहले सीजन के सेकंड रनर अप रह चुके हैं। वो लास्ट सीजन बिग बॉस के रनर अप भी थे। उन्होंने वॉर का गाना घुंगरू का तमिल वर्जन गाया था। जी हाँ, अब लग रहा है कि उन्हें वॉर 2 में एक हिंदी गाना गाने का मौका भी मिल जाए। देखा जाए ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक तो वेट करना पड़ेगा। फिलहाल तो राहुल वैद्य अभी एक रियलिटी शो में बिजी है। अगर आपको पता है कि कौन से रियलिटी शो में तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। स्क्रिप्ट रिटन बाय सैश्रेष्ठ दास। रोशन की अपो
अपोजिट वॉर टू में कौन दिखेगी, किन दो हीरोइनों का कंपटीशन चल रहा है वॉर टू के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता रोहरा बैक विद अनदर वीडियो इन योर फेवरेट चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। ऋतिक रोशन एक्टिंग तो अच्छी करते ही हैं, साथ में आपको ये भी बता दें कि उनको वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन का खिताब भी मिल चुका है, एशियाज मोस्ट सेक्सीएस्ट मैन का भी टैग उनको कई सालों से मिलता आ रहा है। और उनकी डांस और अदाएं और एक्टिंग का तो आप जानते ही हैं। 90s के दौरान जब माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर को इंट्रोड्यूस किया गया था, उनकी डांसिंग देख के लोगों का कहना था कि उनके जितना कोई डांस अच्छा कर ही नहीं सकता। खैर, कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि उनके जैसा ना कोई आया है और ना कोई आएगा। लेकिन ऋतिक रोशन जब इंट्रोड्यूस हुए तो फिर क्या ही कहना, उनकी बॉडी तो जैसे पानी की तरह झूमती थी। ऐसे में उन्होंने बॉलीवुड में डांसिंग में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया और डांसिंग आइकॉन बताया अपने आप को। उनकी एक्टिंग भी कुछ कम नहीं है। कोई मिल गया में उनका रोल देख के आपको थोड़ा बुरा भी लगेगा, लेकिन सुपर 30 में वो एक बिहारी आनंद के रूप में नजर भी आए थे। साथ ही साथ फिर वो याद आता है कि वॉर में तो वो कबीर भी थे जो एक सख्त इंसान का रूप निभा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सारे रोल बखूबी निभाए हैं। तो ऐसे में वॉर 2 में क्या हो सकता है उनका रोल, कौन हो सकती है उनकी हीरोइन? अब ऐसे में कौन नहीं काम करना चाहेगा ऋतिक रोशन के साथ? हाल ही में तापसी पन्नू ने ट्विटर पर डिक्लेयर किया था कि उन्होंने अपने चाइल्डहुड क्रश ऋतिक रोशन से ना ही तो कोई ऑटोग्राफ लिया है और ना ही कोई फोटो ली है। उसका रीजन ये है कि उनका एक मैनिफेस्टेशन जो पूरा कर रही है वो ये है कि वो पहली बार अगर कैमरा में दिखना चाहती है ऋतिक रोशन के साथ, तो वो एक फिल्म के जरिए दिखना चाहती है। और साथ ही में दीपिका पादुकोण ने भी वॉर में उनको एक चॉकलेट मैन की तरह बताया हुआ है। तो ऐसे में दोनों में से कौन हो सकता है वॉर 2 में? 20 साल के अपने करियर में कोई मिल गया से लेकर वॉर तक में ऋतिक रोशन ने काफी सारी आइकॉनिक जोड़ी बना ली है। शुरू शुरू में अमीषा पाटेल के साथ उनका सेलिब्रेटेड जोड़ी दिखाया जा रहा था, फिर करीना कपूर के साथ उनकी कोई मिल गया में काफी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई गई। उसके बाद ऐश्वर्या राय के साथ उन्होंने धूम 2, गुजारिश और योद्धा अकबर जैसी फिल्में करके भी दिखाया। अब बात अगर इस वीडियो की हाइलाइटेड फिल्म जो की है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बारे में कहें, तो ऐसा है कि कैटरीना कैफ और उनकी जोड़ी को इतना ज्यादा पसंद किया गया था कि उसके बाद तो लोग का बहुत क्रेज हो गया था। फिर उन्होंने लेकिन हालांकि एक ही मूवी साथ में की जो कि थी बैंग बैंग, दोनों की जोड़ी तो काफी ज्यादा अच्छी लगने लगी थी लोगों को। टोन फिजिक दोनों ही इतने अच्छे डांसर। अब हमारी लिस्ट में है दीपिका पादुकोण, जिन्होंने आज तक ऋतिक रोशन के साथ काम नहीं किया है। वैसे आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण को बैंग बैंग के लिए पहले चुना गया था, उसमें कम रोल होने के कारण हालांकि वो ये रोल नहीं कर पाई थी, लेकिन उसके बाद उनका जो कोलैबोरेशन है फाइटर, उसको देख के लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब बात ये उठती है कि कैटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण, दोनों में से वॉर 2 के लिए किसको चुना जाएगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वॉर 2 में हीरोइन कौन होगी? क्या प्रियंका चोपड़ा की होगी बॉलीवुड में वापसी? और जैसा कि हमने वॉर फिल्म में देखा था कि हीरोइन के रोल को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी, तो क्या वॉर 2 में हीरोइन को इम्पोर्टेंस दी जाएगी? नमस्कार दोस्तों, ये है बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं पंखुरी आप सबका स्वागत करती हूँ। जब भी 2019 हिट फिल्म वॉर की बात की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि फिल्म की तारीफों के लिए लोग ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ को ही याद करते हैं। लेकिन एक चीज जो मिसिंग रह जाती है वो है एक जबरदस्त हीरोइन। वॉर में कोई भी लीड एक्ट्रेस ना होने की वजह से इस फिल्म को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, इसीलिए वॉर की सीक्वल में फिल्म के मेकर से सस्पेक्ट को लेकर कोई गलती नहीं करने वाले। वॉर तो अपनी कास्टिंग के लिए काफी फेमस रही है और इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी वॉर 2 में भी कंटिन्यू की जाएगी। वॉर 2 के लिए एक लीड एक्ट्रेस चुनने का काम फिल्म मेकर्स ने पहले से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि इस बार वो अपनी फिल्म में एक बोल्ड और हैपनिंग एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते थे, जिससे वॉर में जो लीड एक्ट्रेस की कमी हुई थी वो पूरी हो जाए वॉर 2 में। इसीलिए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस को कास्ट करने का फैसला किया है वॉर 2 के मेकर्स ने। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के मेकर्स ने प्रियंका चोपड़ा को वॉर 2 में लीड एक्ट्रेस के रूप में कास्ट करने का फैसला लिया है। प्रियंका भले ही अभी इंडिया में नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी बॉलीवुड से तो उनका नाता हमेशा से ही जुड़ा हुआ है। प्रियंका चोपड़ा 2019 की फिल्म द स्काई इज पिंक में लास्ट टाइम नजर आई थी, जहां वो फरहान अख्तर के साथ लीड रोल में थी। 2 साल के गैप के बाद एक बार फिर प्रियंका चोपड़ा एक बॉलीवुड फिल्म में नजर आएंगी और वो और कोई नहीं है बल्कि ऑडियंस की चहेती फिल्म वॉर का सीक्वल है। खबरें आ रही हैं कि फिल्म के मेकर्स ने वॉर के सीक्वल के लिए प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच तो किया है, लेकिन प्रियंका इस फिल्म को करने वाली है या नहीं इस पर अभी तक कोई कंफर्म न्यूज नहीं आई है। लेकिन लगता है कि प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाने के लिए हामी भर ही देंगी, क्योंकि प्रियंका को हमेशा से ही ग्रेट इम्पोर्टेंस वाले किरदार ज्यादा पसंद आते हैं
और क्योंकि वॉर में हीरोइन की कमी रह गई थी तो इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने ये तय किया है कि वॉर 2 में जो हीरोइन का किरदार होगा वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और हीरोइन के किरदार का सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा होगा। ऐसे में प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के लिए बेस्ट चॉइस होंगी क्योंकि वो हमेशा से ही अपने बोल्ड किरदारों के लिए जो जानी जाती हैं। वॉर की तरह ये फिल्म वॉर 2 भी कास्टिंग में धमाकेदार होगी, जहां मेल एक्टर्स में ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और विद्युत जम्वाल की कमाल की तिगड़ी नजर आएगी, वहीं प्रियंका चोपड़ा होंगी इस फिल्म की इकलौती हीरोइन। ऐसे में इस फिल्म का एक बड़ा हिट होना तो बनता ही है। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कब शुरू होगी वॉर 2 की शूटिंग? कौन सी है वॉर फिल्म से जुड़े हिडन फैक्ट्स? नमस्कार, बॉलीग्राड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वॉर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ जबरदस्त बातें। तो दोस्तों, जब 2 सुपर हंक्स एक ही स्क्रीन पर अपने सिक्स पैक ऐप से सबको घायल करते दिखे तो कई हसीनाओं के दिल की धड़कन रुक सी गई थी, वहीं कुछ लड़कों की धड़कनों में भी उछाल आया फिल्म की सुपर सेक्सी और हॉट एक्ट्रेस को देखकर। आखिर कौन है इस सुपर हॉट एंड सेक्सी स्टार कास्ट? जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। 2019 में आई वॉर फिल्म के ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर की हम बात कर रहे हैं। जहां फिल्म की हाफ स्टोरी के बाद फिल्म की कहानी कहीं नीचे जाती दिखी तो सिद्धार्थ आनंद ने अपने हीरो के सॉलिड एब्स और लुक्स और जबरदस्त एक्शन सीन्स के साथ पूरी कोशिश की फिल्म को कवर अप करने की, और जो बहुत हद तक सही साबित हुई। पर स्टोरी तो स्टोरी होती है, दर्शकों को एक कड़ी से दूसरी कड़ी तक जोड़ने के लिए। फिल्म में वाणी कपूर का रोल लिमिटेड रहा, जिससे साफ पता लग रहा है कि उनको केवल ग्लैमर के लिए ही फिल्म में दिखाया गया था। दोस्तों, न्यूज आ रही है कि इस फिल्म का सेकंड सीक्वल बनने जा रहा है। ऐसे में इस फिल्म में भी क्या हीरोइन को केवल ग्लैमर के लिए दिखाया जाएगा या वाकई में डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इस बार हीरोइन को भी दमदार एक्शन और स्टोरी का हिस्सा बनाएंगे, इसी बात पर चर्चा हो रही है। दोस्तों, वॉर में हमें ऋतिक और टाइगर की जोड़ी देख के मानो ऐसा लगा जैसे 90s में आई सुभाष घई की फिल्म खलनायक के संजय दत्त और जैकी श्रॉफ वापस से देखने को मिले हों। पर हाँ, एक्शन और स्टाइल में तो काफी बदलाव आपको 90s की फिल्मों से अब की फिल्मों में देखने को मिल ही सकता है, जिसका आधा श्रेय VFX और स्टंट डायरेक्टर्स को जाता है। जी हाँ दोस्तों, वॉर फिल्म में बड़े पर्दे पर एक्शन करते दिखे ये दो दमदार हीरो के पीछे एक्शन डायरेक्टर सी यंग ओ, परवेज शेख, फ्रांस स्पिलहाउस और पॉल जेनिंग्स का हाथ रहा है। अब आने वाली फिल्म वॉर 2 में ऋतिक रोशन संग कौन सा हीरो और हीरोइन हमें देखने को मिलते हैं एक्शन करते हुए? ऐसे ही बहुत से और धुरंधर एक्शन सीन्स देख के ऐसा लगेगा कि मानो आप हॉलीवुड के मिशन इम्पॉसिबल या फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म ही देख रहे हो। आजकल बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में हॉलीवुड मूवीज जैसी झलक देखने को मिलती है, चाहे वो रोहित शेट्टी की फिल्म में हो या फिर अब इस लाइन में जुड़े सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों वॉर शूटिंग ने पोर्टुगल सिटी को 2 दिन के लिए किया शटडाउन? क्या थी वॉर की ग्रेट प्रमोशनल स्ट्रेटजी? क्या वॉर 2 से फ्रेंचाइजी का बेस्ट अभियान बाकी है? वॉर फिल्म 2019 में जितने क्रेज के साथ इंडियन ऑडियंस में एक्सेप्ट की गई थी, उतनी शायद ही कोई एक्शन फिल्म की गई हो। फिल्म की रोरिंग बॉक्स ऑफिस नंबर्स ने यह साबित कर दिया था कि बॉलीवुड में भी एक्शन वॉर क्लास लेवल का बन सकता है। फिल्म की एक्सोटिक लोकेशंस इस एक्शन में काफी स्टनिंग आउटपुट लेके आई थी, मगर इसी के चलते पोर्टुगल को 2 दिन का छोटा शटडाउन भी सहना पड़ गया था। तो आगे करते हैं इसी बारे में डिस्कस मेरे यानी श्रुति के साथ। आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। एक्शन ड्रिवन फिल्म वॉर काफी सारी फॉरेन लोकेशंस में शूट की गई थी,
इन्हीं में से एक लोकेशन रही थी पोर्टुगल की एक सिटी। फिल्म में हमें टाइगर और ऋतिक के बीच का एक लॉन्ग रन चेस सीक्वेंस देखने को मिलता है, वो इसी सिटी में शूट किया गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस दो दिन की शूट के चलते पोर्टुगल के आधे कामकाज दो दिन के लिए जैसे ठप ही पड़ गए थे, क्योंकि वो फेमस ब्रिजेस पर हम वन टू वन फाइट भी देखते हैं। वो ब्रिज सिटी का काफी बिजी रूट है। जब लोगों की लाइफ दो दिनों के लिए भारी तरीके से इंटरप्ट हुई तो वो इसके पीछे का कारण जानने के लिए वॉर की शूट लोकेशन पर पहुंच गए। लेकिन उधर पहुंच के वो भी आपकी और हमारी तरह बॉलीवुड फिल्म शूट के दीवाने से बन गए। लोगों को खासकर टाइगर और ऋतिक के अनबिलीवेबल स्टंट्स देख के काफी हैरानी हुई, और यही से वॉर जैसी एक्शन स्टेटमेंट मूवी का लेवल हमें क्लियर हो जाता है। वॉर ने ये साबित तो किया ही है कि बॉलीवुड में एक्शन गेम टॉप की है, बल्कि साथ ही अपने जबरदस्त मार्केटिंग माइंड से को भी प्रूव किया है। वॉर जैसे कि हमें पता है दो माइटी एक्शन हीरोज टाइगर वर्सेस ऋतिक के महायुद्ध की कहानी की तरफ पिच की गई थी, इसलिए मेकर्स ने इस आइडिया को थ्रू आउट मार्केटिंग कैंपेन बरकरार भी रखा। इन दोनों स्टार्स ने कभी एक साथ आके फिल्म को प्रमोट नहीं किया होगा। आपने गौर किया होगा कि ना इन्हीं ने पब्लिक इवेंट में और ना ही हम सबके फेवरेट कपिल शर्मा शो में एक साथ आए। इस आउटस्टैंडिंग मूव से फैंस में इनके बीच की राइवलरी देखने का इंटरेस्ट और भी ज्यादा जाग गया। बस यही सस्पेंस गेम तो ऑडियंस को थिएटर तक खींच ले आती है। मगर वॉर 2 के बारे में जो अब तक न्यूज सुनने को मिली है उससे लगता है कि वॉर तो जस्ट एक छोटा पैकेट था। बड़ा धमाका तो वॉर सीक्वल और इसके आगे आने वाले और भी पार्ट के साथ होने वाले हैं। खबरें ये उड़ रही हैं कि इस बार वॉर 2 में ऋतिक के सामने माइटी विलन के रोल रेबल स्टार प्रभास निभाते हुए देखने वाले हैं। अब अगर ये कास्टिंग कंफर्म हो जाती है तो इस बात में रत्ती भर भी शंका किसी को नहीं होगी कि वॉर का बेस्ट अभी भी आना बाकी है। जहां तक बात है इसके आने वाले फ्रेंचाइजी की, तो उससे बिगेस्ट एक्शन बनेगी YRF की स्पाई क्रॉसओवर स्क्रीन, जिसके तहत 21 दिन में एक्साइटमेंट डबल होनी तय है। धीरे धीरे इंडियन सिनेमा के सभी एक्शन स्टार हमें YRF के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बने भी दिख सकते हैं, जिनके मुकाबले शॉर्ली वॉर तो जस्ट एक ट्रेलर ही थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम फिर हाजिर होंगे आपके मन पसंदीदा सितारों से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग खबर को लेकर। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। क्या वॉर को मिल रही है सीक्वल? क्या हिंट दिया है एक्टर टाइगर श्रॉफ ने अपने फैंस को? वॉर में टाइगर के लिए अपने आइडल संग काम करने का एक्सपीरियंस? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज पर। आज मैं बात करने वाली हूँ फिल्म वॉर और उसके होपफुली आने वाली एक सीक्वल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मगर होपफुली इसलिए क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, मगर कुछ सेलेब्स के थ्रू ऐसी बातें सामने आई हैं जो साफ तौर पर इशारा करती हैं कि फिल्म वॉर को एक सीक्वल मिल सकती है। हाल ही में रिलीज हुई वॉर एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया था। इस फिल्म में मेन लीड थे एक्टर ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ, और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने इसे अपने ही बैनर यश राज फिल्म्स के अंडर रिलीज किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई एक बड़ी हिट साबित हुई थी और फैंस से लेकर क्रिटिक्स सबके मुंह से तारीफ सुनने में कामयाब रही थी। यू नो वॉर मूवी की जब लॉन्च पार्टी हुई थी तभी सिद्धार्थ ने सीक्वल पर वर्क करने की खबर दे दी, मगर फिर वो खबर कहीं दब गई और उस पर बातें आगे नहीं बढ़ी थी। डायरेक्टर की इच्छा थी कि वॉर को एक फ्रेंचाइज में तब्दील किया जाए और वॉर 2 की स्क्रिप्ट पर एफिशिएंटली काम किया जाए। ऑलरेडी हिंटेड बाय डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, अब अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने अपने 31st बर्थडे के मौके पर एक बार फिर हिंट किया है वॉर 2 जैसी किसी मूवी के आगमन का। जी हाँ दोस्तों, श्रॉफ ने अपनी गर्लफ्रेंड दिशा पटनी के साथ ही अपना बर्थडे डिनर डेट सेलिब्रेट किया, और इस दौरान एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट से बातचीत के दौरान अपनी एक्शन फिल्म वॉर के आने की बात कही। उन्होंने कहा कि फिल्म 2023 तक आएगी। वैसे भी निर्देशक ने स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया है, अब बस
बारी है फिल्म की मेकिंग प्रोसेस को शुरू करने की। टाइगर ने पहले अपने फिल्म वॉर 2 के बारे में हिंट देने के साथ साथ ये भी बताया था कि वॉर में अपने आइडल एक्टर ऋतिक रोशन के साथ काम कर उन्हें बहुत ही ज्यादा गर्व और खुशी महसूस होती है। ऋतिक हमेशा से टाइगर के लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं। ऐसे में एक साथ स्क्रीन शेयर करने पर अपने आप में एक अहम बात है। वॉर 2 को लेकर उन्होंने कहा कि अब वॉर 2 आई तो ऑडियंस ये समझ जाए कि वॉर एक्चुअली में डबल होने वाला है। अब टाइगर ने ऐसी हिंदी है, इसका मतलब है कि फिल्म साफ तौर पे एक डबल डोज और धमाके के साथ साथ एक्शन डोज भी भरकर आएगी। अब फिल्म में क्या होगी जैसे की प्रेजेंस और पिछली बार से कितना अलग होगा टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर, ये जानने के लिए आपको देखते रहना होगा पॉलीग्राफ स्टूडियो और कनेक्टेड रहना होगा हमारी सारी वीडियो के साथ। तब तक अलविदा। वॉर 2 को लेकर क्या हुई बड़ी घोषणा? सिद्धार्थ आनंद क्या वॉर 2 को इस बार अपने प्रोडक्शन हाउस के तले प्रोड्यूस करेंगे? किस तरह के एक्शन सीन्स की तलाश में हैं सिद्धार्थ आनंद अपनी फिल्म वॉर 2 के लिए? नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वैग से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए वॉर का सेकेंड सीक्वल यानी वॉर 2 से जुड़े कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स। और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, इन सभी टॉपिक्स पर होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करके वीडियो शुरू करते हैं। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने 2019 में साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर वॉर दी। दो साल बाद डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने पुष्टि की है कि अगले साल इसके सीक्वल की मेकिंग शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि ऋतिक और टाइगर दोनों ने फिल्म के दो साल पूरे होने का जश्न बनाया, लेकिन अभी तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि सीक्वल में दोनों फिर से साथ दिखेंगे। वॉर सीक्वल के बारे में बात करते हुए सिद्धार्थ ने मिड डे से कहा, हम जानते थे कि अगर वॉर काम करती है तो हम इसका सीक्वल जरूर बनाएंगे और मैंने इसे आगे बढ़ाने के बारे में कुछ ओपिनियन भी शेयर किए हैं। हमें उम्मीद है कि इसे शुरू करेंगे अगले साल तक। वॉर 2 एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसी बीच टाइगर वॉर सॉन्ग घुंगरू के सीक्वल बैकग्राउंड डांसर बनने के लिए भी तैयार है, जिसमें ऋतिक और वाणी कपूर थे। इंस्टाग्राम पर पहले आस्क मी एनीथिंग सेशन के दौरान जब वाणी से टाइगर के साथ काम करने का अपना अनुभव शेयर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपनी ओर से जवाब देने के लिए कहा। टाइगर ने उन्हें जवाब देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा, उम्मीद है कि हम दोनों सीक्वल के लिए वापस जरूर आएंगे। अपने 31st जन्मदिन पर टाइगर श्रॉफ ने अपनी एक्शन फिल्म वॉर के सीक्वल का संकेत दिया था। वॉर के सीक्वल की ओर इशारा करते हुए टाइगर ने बॉलीवुड हंगामा से कहा, वॉर अभी दूसरे स्तर पर पहुंच गया है और मुझे अपने आदर्श ऋतिक सर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का फिर से मौका जल्द मिलेगा। यह एक ऐसा अनुभव था कि जिसे मैं जिंदगी भर संजो के रख सकूंगा। वह मेरे लिए जिंदगी भर एक प्रेरणा रहेंगे। उन्हें इतने करीब से देखना और सीखने का अनुभव भी शानदार रहा। सिद्धार्थ आनंद ने ये तो कंफर्म कर दिया है कि फिल्म अगले साल लॉन्च होगी, लेकिन एक और खबर भी बता दें कि सिद्धार्थ आनंद ने जनवरी 2021 में भारत में एक्शन फिल्म मेकिंग के लिए एक प्रोडक्शन हाउस मार्फ्लिक्स नाम से अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और वॉर 2 भी इसी प्रोडक्शन हाउस से लॉन्च होगी। वैसे तो आप सभी ने कई तरह के एक्शन सीन्स देखे होंगे, लेकिन इस बार डायरेक्टर अपने नए प्रोडक्शन हाउस के साथ साथ एक नए एक्शन सीन के फिराक में हैं, ताकि वह वॉर 2 में कुछ ऐसा दिखा सकें जो पहले किसी और फिल्म में ना दिखाया हो। इतना कुछ सुनने के बाद आप ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत चल रही है इस फिल्म के लिए। और भी सारी अपकमिंग मूवीज और लेटेस्ट फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटके सुनने को कैसे मिलेगा। लाइक एंड कमेंट करके आप भी अपनी ओपिनियन इस फिल्म को लेकर हमें बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय, टेक केयर। क्या विद्युत जम्वाल को कास्ट किया जा रहा है वॉर 2 के लिए? क्या ऋतिक रोशन ने सजेस्ट किया था विद्युत जम्वाल का नाम? विद्युत जम्वाल के बारे में क्या तारीफ की थी ऋतिक रोशन ने? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। आज हम वॉर 2 की फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं।
को लेकर बहुत ही सारे हॉट टॉपिक्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स आते ही जा रहे हैं वॉर वन में, जहाँ पे हमें टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की दोनों की साझेदारी बहुत ही पसंद आई थी। साथ में फैंस भी इसको देखकर काफी खुश थे। तो वहीं वॉर टू में ऐसा कहा जा रहा है कि नितिन जम्वाल को भी इंक्लूड किया जा सकता है। जहाँ पे ऋतिक रोशन की कास्ट तो कंफर्म ही है, वहीं पे बात चल रही है टाइगर श्रॉफ और विद्युत जम्वाल दोनों को ही साथ में लेने की, जहाँ पे फिर से ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी तो दिखेगी, लेकिन फिर विद्युत जम्वाल का क्या रोल रह सकता है ये हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। विद्युत जम्वाल को वॉर टू में कास्ट करने का सबसे बड़े दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये, जब वॉर टू की कास्टिंग की बात चल रही थी तो फैंस ने एक इच्छा जाहिर की थी, और वो इच्छा ये थी कि तीनों ही बड़े एक्शन हीरोज को वो एक ही पर्दे पर देखना पसंद करेंगे। वो तीनों हीरो हैं ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और विद्युत जम्वाल। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी तो हम देख ही चुके हैं, अब उनके साथ ट्रायो जो कि विद्युत जम्वाल भी जुड़ जाएंगे तो वो मूवी कुछ और ही अलग लेवल पर पहुंच जाएगी। और इसका दूसरा रीजन ये है कि ऋतिक रोशन ने विद्युत जम्वाल को इस फिल्म के लिए खुद प्रपोज किया था। ऐसा लगता है कि फैंस के साथ साथ ऋतिक रोशन भी उनके बहुत बड़े अच्छे फैन बन चुके हैं। साल 2020 में विद्युत जम्वाल की रिलीज हुई फिल्म खुदा हाफिज ने बॉक्स ऑफिस पर काफी तहलका मचा दिया था और फैंस के दिलों को भी राज कर लिया था। उस फिल्म में इतना अच्छा एक्शन और इतनी अच्छी एक्टिंग देखने के बाद ऋतिक रोशन ने विद्युत जम्वाल को काफी बधाइयां दी थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था उन्हें वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हैं इस मूवी को देखने के बाद, कि उन्हें पता नहीं था विद्युत जम्वाल इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। बाद में विद्युत जम्वाल ने उन्हें थैंक यू जाहिर करते हुए एक और वीडियो पोस्ट किया था। दोनों ने फिर बाद में इंस्टाग्राम लाइव सेशन भी किया था जिसमें दोनों ने जाहिर किया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। अब ऐसे में वॉर टू के मेकर्स ने ऋतिक रोशन से उनकी राय ली कि वो विद्युत जम्वाल को क्या अपने साथ काम करना पसंद करेंगे। तो इसमें बिना किसी झिझक के विद्युत जम्वाल को लिए उन्होंने हाँ कर दिया और उसी दिन जाकर उन्होंने उस फिल्म के लिए पूछा उनसे। तो विद्युत जम्वाल ने भी ऐसा लगता है कि हाँ कह ही दी होगी, हालांकि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों ही स्टार्स ही एक दूसरे के साथ काम करने की जो इच्छा है वो पूरी होने जा रही है। साथ में फैंस की तीनों बड़े एक्शन स्टार्स को साथ में देखने की इच्छा भी पूरी होने वाली है। तो क्या लगता है आपको, विद्युत जम्वाल देखेंगे हमें बड़े पर्दे पर उन दोनों के साथ? अगर आपको ये लगता है तो हमें अपने कमेंट सेक्शन में यस लिखकर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। क्या सच में बाकी है अभी वॉर? क्या मेकर्स तैयार है इस डबल एक्शन धमाके के लिए? क्या फिर टूट पाएंगे रिकॉर्ड्स? इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों में सिनेमा की दुनिया बदल गई है। पहले की फिल्में एक सिंगल पार्ट में बनाई जाती थी, जबकि आज लोकप्रिय फिल्में निर्माताओं और सफल फिल्मों के साथ फ्रेंचाइज में बदल दी जाती है। वॉर के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हाल ही में खुलासा किया कि बॉक्स ऑफिस पर इसकी सफलता के बाद वो जल्दी ही फिल्म के सीक्वल पे काम करना शुरू कर देंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं आने वाली फिल्म वॉर 2 के बारे में, जिसके फर्स्ट पार्ट के आने से पूरे बॉलीवुड में हलचल मच गई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई हुई थी। बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े कई रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। फिल्म की सफलता के बाद सिद्धार्थ आनंद ने IAS के साथ बात की और कहा, इस बारे में बात करना जल्दबाजी होगी, लेकिन मेरा निश्चित रूप से इसे एक फ्रेंचाइज में बदलने का विचार है। हम फिल्म पर दर्शकों के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे थे। अब मुझे लगता है कि ये दर्शकों की हमारी इच्छा से कई अधिक मांग है। हम जल्द ही इस फिल्म से रिलेटेड फ्यूचर कोर्स तय करने के लिए एक साथ बैठेंगे। रिलीज की महज 3 दिनों बाद ही वॉर ने 100 करोड़ रुपए का अंगारा पार कर लिया था। ये फिल्म 95 करोड़ के साथ ओपनिंग वीकेंड में 11th हाईएस्ट कमाई करने वाली फिल्म के रूप में इमर्ज हुई। सलमान खान की भारत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2019 की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई। वॉर भी सिद्धार्थ आनंद, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म है जिसने 3 दिन में 100 करोड़ का अंगारा पार कर दिया। तो साफ तौर पे ये तो तय है कि इस फिल्म की आने वाली फ्रेंचाइज से भी मेकर्स ऐसे ही रिकॉर्ड्स ब्रेक करने की उम्मीद लगाए होंगे। फिल्म के सक्सेस पार्टी में टाइगर श्रॉफ ने कहा, जिस दिन मुझे पता चला कि मैं ऋतिक रोशन के साथ 2 हीरो वाली फिल्म में काम करूंगा, मैंने खुद से कहा कि मुझे इससे बड़ा मौका मिल नहीं सकता। ये मेरे टू डू लिस्ट में एक था जो अब आकर पूरा हो गया। ये फिल्म उनके लिए एक एजुकेशनल एंड एम्पावरिंग जर्नी रही। तो आपको क्या लगता है, इस रीमेक के ट्रेंड में आने वाली ये फिल्म कर पाएगी डबल धमाका? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, साथ ही हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कौन कौन सी मूवी बनी फिल्म वॉर की तरह?
वॉर फिल्म ने क्या सोशल मैसेज दिया था दुनिया को? वॉर टू की कहानी को क्या दिया जाएगा एक नया ट्विस्ट? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं वॉर मूवी में दिखाए गुरु चेले की जोड़ी को लेकर। हर जगह और हर बदलते वक्त में ऐसी कई जोड़ियां हमें दिखती हैं। वॉर मूवी के अलावा भी ऐसी इस जोड़ी पर बहुत सी फिल्में बनी जिसमें गुरु और शिष्य के बीच अटूट प्यार को दिखाया गया। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, यह जोड़ी फिल्में बननी शुरू कब हुई और क्यों हुई? आखिर कहां से आई है ये गुरु शिष्य की जोड़ी? तो आपको बता दें कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक और छात्र का रिश्ता दुनिया में सबसे अहम और सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। बॉलीवुड में ऐसी कितनी ही फिल्में बनी है जिन्होंने इस खूबसूरत रिश्ते को बखूबी दर्शकों के सामने पर्दे पर उतारा है। सबसे पहले नवंबर पर ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 टीजर और स्टूडेंट्स टीचर और स्टूडेंट्स के रिश्ते पर बनी बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म में ऋतिक ने एक ऐसे शिक्षक की भूमिका निभाई है जो उन गरीब बच्चों को IIT की मुफ्त कोचिंग देते हैं जो बच्चे आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं लेकिन पढ़ने में अच्छे हैं। यह कहानी बिहार के टीचर आनंद कुमार पर बेस्ड है। ऐसा ही कुछ दिखाया फिल्म तारे जमीन पर जिसमें दर्शील सफारी एक ऐसे बच्चे की भूमिका में दिखे जिसे पढ़ने लिखने में परेशानी थी। इसके बाद उसके माता पिता उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे टीचर से होती है जो बिना कुछ बोले उसकी सबसे बड़ी परेशानी को समझ जाता है। फिल्म में आमिर खान एक ऐसे अध्यापक के किरदार में हैं जिसकी जरूरत हर बच्चे की होती है। काश हमारे टीचर भी ऐसे ही होते जो बिना बोले सब समझ जाते। फिर बारी आई रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी की। यह एक ऐसी टीचर के बारे में है जो खुद एक गंभीर परेशानी से जूझते हुए अपने स्टूडेंट्स को उस मुकाम पर ले जाती है जहां दुनिया उन्हें सलाम करती है। फिल्म में बेहद खूबसूरती के साथ गुरु शिष्य के रिश्ते को दिखाने की कोशिश की गई है। और जबरदस्त फिल्म थ्री इडियट्स को कोई कैसे भूल सकता है जिसमें एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी को पेश किया गया जिसके पास कोई सुविधा नहीं थी फिर भी अपनी लगन के दम पर बेहिचक उसने दुनिया के सामने अपनी काबिलियत साबित कर दी। बाद में वह न एक बेहतरीन टीचर बना बल्कि एक महान साइंटिस्ट भी बना। फिल्म की कहानी ने कई छात्रों को प्रेरित भी किया। के बाद निर्देशक नागेश कुकुनूर की फिल्म इकबाल शिक्षक छात्र के रिश्ते को छूते हुए बनाई गई थी। यह एक भारतीय गांव के एक बहरे लड़के यानी सुरेश तलपड़े की कहानी थी जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलने की इच्छा रखता है। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह ने उसके कोच की भूमिका निभाई है। वॉर में भी कुछ यूं ही दिखाया गया था, जो कोई नहीं समझता वो एक शिष्य समझ जाता है। वॉर मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है लेकिन उसमें भी कोई ऐसी ही दमदार जोड़ी देखने को मिलेगी? क्या कोई ऐसा ही सोशल मैसेज होगा? आपको क्या लगता है इस बारे में? और साथ ही आपके कैसे रिलेशन हैं आपके टीचर के साथ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्क्रिप्ट रिटन बाय मनीषा जैन। आज हम बात करने वाले हैं ऋतिक और टाइगर की अपकमिंग मूवी वॉर 2 के बारे में। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टार फिल्म वॉर 2 या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी इस फिल्म को लेकर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बज बना हुआ है। वॉर पार्ट 1 का ट्रेलर रिलीज होने के बाद कुछ वक्त तक इसको लेकर नेगेटिव व्यू पॉइंट बनाए थे लेकिन फिर फिल्म के गाने रिलीज होने और इन प्रमोशन शुरू होने के बाद इसको लेकर रुझान बनने शुरू हो गए। हम लाए हैं ऐसी 5 वजहें जिनके चलते आप फिल्म को देखने के लिए टिकट्स खरीद सकते हैं। पहली वजह है खुद ऋतिक रोशन वर्सेस टाइगर श्रॉफ। जी हाँ, बॉलीवुड के ऐसे दो अभिनेता जो अपने एक्शन और दमदार डांस के लिए जाने जाते हैं, दोनों दूसरी बार इस फिल्म के सीक्वल के साथ स्क्रीन पर एक साथ वापसी करेंगे। दूसरी वजह ऋतिक को नेगेटिव रोल। ये धूम 2 में नेगेटिव रोल प्ले करते नजर आए थे और उसके बाद वॉर फिल्म के पहले पार्ट में नजर आए। अब फिर ऋतिक को नेगेटिव रोल में आप लोग देख सकते हैं और इसके बाद उन्होंने कई तरह के किरदार किए और एक लंबे वक्त बाद अब वह फिर से नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। एक बार फिर से ऋतिक जबरदस्त एक्शन मोड में होंगे, पहले से ज्यादा एक्शन, मजा, धोखा और कमाई। ये बात तो सभी जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन को अपना गुरु मानते रहे
उन्होंने ऋतिक को हमेशा से ही अपना आइडियल माना है और वह उनके साथ काम करना चाहती, जो इच्छा उनकी वो और दो उठ करके पूरी हुई। आखिरकार उन्हें अपने आइडियल के साथ काम करने का मौका दोबारा मिल रहा है। देखना होगा कि दोनों की केमिस्ट्री अब कैसी होगी। चौथी वजह, यदि आप अपनी रूटीन लाइफ से बोर होकर कुछ एंटरटेनिंग और थ्रिलिंग करना चाहते हैं तो इस बार वॉर दोस्त सही चॉइस है। फिल्म का आना अभी बाकी है, लेकिन रुझाने से एक बात साफ है कि जबरदस्त स्टंट, एपिक लोकेशंस और कमाल की शूटिंग जो है टेक्निक के चलते फिल्म एंटरटेनिंग होने वाली है। पांचवी वजह है ऋतिक और टाइगर का अपना अपना फैन बेस। दोनों ही कमाल के एक्शन और डांस हीरो हैं और इसलिए दोनों के फैंस अपनी अपनी एक्ट्रेस का सपोर्ट करते हैं। अब देखने की आर्मी रेडी है और देखना होगा कि कौन ये वॉर दो को जीत पाते हैं। फिल्म एक्शन से तो ये तय है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि फिल्म एक एक्शन मिस्ट्री फिल्म है, तो जाहिर है कुछ तय होगी कि फिल्म देखने से पहले हमारे चैनल पर खुलेंगी। तो जाने के लिए बस देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने। क्या कहा टाइगर ने वॉर के बारे में? वॉर में अपनी और हरिति की लड़ाई को किससे किया टाइगर ने कंपेयर? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज। टाइगर श्रॉफ के पास एक्शन थ्रिलर वॉर के सीक्वल के लिए करोड़ों आइडियाज है। इस फिल्म में वो हरिति के संग लड़ते दिखे और इसमें वाणी कपूर भी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखी। इंस्टाग्राम के कास्ट मी सेशन के द्वारा वाणी को टाइगर के साथ काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया। दोनों ने सवाल को टाइगर की तरफ मोड़ दिया और उनसे पूछा कि क्या वो वाणी के साथ काम करके वक्त एंजॉय करते थे। उनके इंस्टाग्राम स्टोरी का रिप्लाई देते हुए टाइगर ने कहा कि वो फिर से वाणी के सीक्वल के लिए रियूनाइट होना चाहते हैं। वो बोले कि वो उम्मीद करते हैं कि वॉर का सीक्वल बने जिसमें वो घुंघरू 2.0 में हरितिक और वाणी के बैकग्राउंड डालकर रह सकते हैं। वो 2019 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी जिसमें हरितिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के एजेंट के रूप में दिखे। और जब वो फिल्म में नहीं मिलते हैं तो एजेंसी टाइगर को बुलाती है हरितिक को पकड़ने के लिए, जो कि उनके मेंटर रह चुके होते हैं फिल्म। सिद्धार्थ आनंद ने वॉर फिल्म के रिलीज के कुछ दिन बाद कहा था कि सीक्वल के बारे में बात करने का अभी सही वक्त नहीं आया है। हालांकि वो इसे फ्रेंचाइजी बनाने के बारे में सोच रहे थे। बाद में जब फिल्मों को दर्शकों का अच्छा रिएक्शन मिला तो वो बोले कि ये अब उनसे ज्यादा ऑडियंस की डिमांड है। टाइगर ने बोला कि वॉर फिल्म में हरितिक के साथ उनकी लड़ाई सुपरमैन वर्सेस बैटमैन जैसी है। उन्होंने बताया था कि वॉर बागी और हीरोपंती जैसा एक्शन फिल्मों से काफी अलग है और अब वॉर 2 को डायरेक्टर अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं। जब वॉर 2 में टाइगर के किरदार की बात की गई तो वो बोले कि हालांकि उनका किरदार फिल्म में मर गया है पर दर्शकों को उनकी डेड बॉडी नहीं दिखाई गई थी। उन्होंने बताया कि फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत फ्लेक्सिबल है और इसमें किसी भी इंसान के लिए स्कोप है। दर्शकों की उम्मीद है कि टाइगर वॉर 2 में दिखेंगे और वो इसमें खूब एक्शन करके दिखेंगे और अपनी बॉडी दिखाते भी नजर आएंगे। सिद्धार्थ आनंद वॉर के सक्सेस के बाद छाए हुए हैं। फिल्म मेकर अब पठान के काम में व्यस्त हैं। पठान में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम लीड रोल में। इसके बाद वो फाइटर फिल्म पर काम शुरू करेंगे जिसमें हृतिक रोशन और दीपिका पादुकोण हैं। वो अब वॉर 2 को भी एक शानदार और अनइमेजिनेबल फिल्म के रूप में बनाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि टाइगर को वॉर में मृत देखने के बावजूद भी वो इस फिल्म में होंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रिप्ट रिटन बाय संस्कृति जल। कहां हुई थी वॉर फिल्म के सबसे खतरनाक स्टंट की शूटिंग? क्यों बंद रखा गया था लुइस पुल? क्या परेशानियां उठानी पड़ी थी फिल्म की शूटिंग के दौरान? हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ प्रगति शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म वॉर के कुछ फेमस शूटिंग प्लेसेस के बारे में। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ अपनी आने वाली फिल्म वॉर 2 की शूटिंग में फिलहाल तो व्यस्त है। फिल्म अगले साल रिलीज होनी है और इसलिए ऋतिक और टाइगर दोनों ही इस समय तेजी से फिल्म की शूटिंग पूरी कर रहे हैं। हालांकि कोरोना के चलते इसकी शूटिंग को दोबारा रोक दिया गया है, लेकिन आज हम फिल्म वॉर के पहले पार्ट में फिल्माए गए जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस शूट की बात करने जा रहे हैं, जो पुर्तगाल की सबसे बड़ी चोटी पर शूट हुआ था। इतना ही नहीं, ये एक्शन सीन एक बाइक चेस सीक्वल है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद पहले ही बता चुके हैं कि फिल्म एक्शन के नाम पर नए नए रिकॉर्ड बनाएगी,
फिल्म में एक लेवल का एक्शन इस्तेमाल किया गया था और जाहिर सी बात है कि किसी फिल्म में ऋतिक और टाइगर हो और एक्शन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भैया। सिद्धार्थ आनंद ने बताया कि इस एक्शन सीक्वेंस ने कई हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर दी है क्योंकि ये पुर्तगाल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर शूट किया था, इसलिए यह शूट करना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ की टीम ने सबकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा था। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर एक्शन फिल्म वॉर की शूटिंग दुनिया के 7 देशों के 15 शहरों में हुई थी। फिल्म का यह एक्शन सीन पुर्तगाल के पोर्टो शहर में भी फिल्माया गया था। इस सीक्वेंस को शूट करने के लिए उस शहर के सबसे बड़े लुइस पुल को 2 दिन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया था। निर्देशक सिद्धार्थ बताते हैं कि हमने पोर्टो में ऋतिक टाइगर के बीच एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग की थी। इस जबरदस्त दृश्य में टाइगर को ऋतिक का पीछा करना था और इसके लिए पोर्टो में मुख्य पुल को 2 दिनों के लिए बंद करने की जरूरत थी ताकि इस दृश्य को बेहतर तरीके से शूट किया जा सके। साथ ही सिद्धार्थ ने यह भी बताया था कि हमें स्थानीय अधिकारियों का भी बेहतर सहयोग मिला और इस कारण इस रोमांचक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग पूरी हो पाई। इस दौरान स्थानीय लोग काफी उत्सुक रहे और यह देखने के लिए भी वहां पहुंचे कि आखिर किस फिल्म के लिए इस पुल को आखिर 2 दिन के लिए बंद किया गया है और लोगों की उत्सुकता जाहिर भी थी। अब हाल ही में आए वॉर 2 की खबर ने फैंस की उम्मीदों को काफी बढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि इसमें भी वॉर के पहले पार्ट की तरह ही खतरनाक स्टंट देखने को मिलेंगे। अगर आप यह सब जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो देखते रहिए बॉलीग्लैड स्टूडियोज। बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड की बाकी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीग्लैड स्टूडियोज को। 90s के दशक में भी क्या थी कोई वॉर जैसी मूवी? क्या आज भी होते हैं पहले जमाने वाले गुरु? नशरुद्दीन ने कब किया था ऋतिक का किरदार? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म वॉर 2 की कहानी के बारे में, जिसमें गुरु शिष्य एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। लेकिन आज से नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है। जहां एक ओर गुरु अपने शिष्य को हर घड़ी का डटकर सामना करना सिखाता है, वहीं शिष्य भी अपना अंगूठा काट कर गुरु के श्री चरणों में भेंट करने से पीछे नहीं हटता। इस रिश्ते की इसी मिठास को हमारी आज की नहीं बल्कि पुरानी फिल्मों में भी बखूबी दिखाया गया था। बॉलीवुड में ऐसी कितनी ही फिल्में बनी हैं जिन्होंने इस खूबसूरत रिश्ते को बखूबी दर्शकों के सामने पर्दे पर उतारा है, जिन्होंने काफी हद तक कभी ना कभी हम में से कईयों को बेहतर करने के लिए प्रेरित भी किया है। बॉलीवुड के ऐसे ही कुछ खास फिल्मों की करते हैं कुछ बातें। बात की शुरुआत करते हैं 1954 में आई सत्येन बोस की फिल्म जागृति की। ये ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें शिक्षकों के योगदान को रेखांकित किया गया था। फिल्म में शिक्षक की भूमिका अभि भट्टाचार्य ने निभाई, जो अपने छात्रों को महात्मा गांधी की कहानी सुनाकर प्रेरित करते हैं। इस फिल्म का गीत दे दी हमें आजादी और आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांके हिंदुस्तान की आज भी लोकप्रिय है। हालांकि ऐसी फिल्में बहुत ज्यादा नहीं है जिसमें शिक्षक फिल्म की कहानी के केंद्र रहे हों। फिल्मों में परामर्श ज्यादा जरूर दिखाए गए हैं, ये गुरु और शिष्य के लिए एक मिसाल बनी। फिर साल 1955 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 आई थी। ये पूरी तरीके से टीचर और स्टूडेंट पर बेस तो नहीं कही जा सकती, पर इसमें नरगिस का एक शिक्षिका के तौर पर दिखना जबरदस्त था। खासकर उन पर फिल्माया गया गीत ईचक दाना बीचक जाना, जो आज भी बच्चे खूब सुनते हैं, जिसमें नरगिस ने गुरु की भूमिका को काफी अच्छे से निभाया था। 1960 के दशक में आई अब तक की बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में शुमार फिल्म पड़ोसन में किशोर कुमार अपने चेले सुनील दत्त को उसके घर के सामने रहने वाली सायरा बानो के दिल में उतरने के गुर सिखाते हैं, जबकि फिल्म शागिर्द में IS जौहर अपने शागिर्द जॉय मुखर्जी को इसी तरीके की शिक्षा देते हैं। इसके बाद 1918 में आई फिल्म बुलंदी में राजकुमार एक अनुशासन प्रिय प्रोफेसर बने। फिर आई राज किरण की शिक्षक की भूमिका वाली हिप हिप हुर्रे। ये फिल्म चली नहीं, लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में गुरु शिष्य के रिश्ते को दिखाने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। फिल्म में राज किरण अपनी फुटबॉल टीम के छात्रों को जीतने के लिए प्रेरित करते नजर आते हैं। इस तरह शिक्षक कभी कभार फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। फिर महेश भट्ट की फिल्म सर में नसरुद्दीन शाह शिक्षक के रूप में पढ़ाते भी हैं और हालात बदलने पर अपराध जगत से टकराते भी हैं।
ऐसी गुरु शिष्य पर आधारित फिल्म की कहानी वॉर में दिखाई गई थी और यही कुछ वॉर 2 में भी दिखाई जाने वाली है। आपको ऋतिक और टाइगर की जोड़ी का फिर से स्क्रीन पर वापसी का कितना इंतजार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। खास बात है सिद्धार्थ आनंद की फिल्म के बारे में, क्या होगा फिल्म में प्रभा के होने से। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। सिद्धार्थ आनंद एक भारतीय फिल्म राइटर और डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी से की थी, जिसमें वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उन्होंने उसके बाद हम तुम लिखी और बाद में सलाम नमस्ते से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया। सलाम नमस्ते अब्रॉड में हाईएस्ट अर्निंग फिल्म ऑफ द ईयर रही और वो भी इसमें स्पेशल रोल में थे। उन्हें फिल्म बैंग बैंग और वॉर से रिकॉग्निशन मिला और दोनों ही हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म्स रही। आपको बता दें कि सिद्धार्थ की फिल्मों में हमेशा से एक नया थीम देखने को मिलता है और इसलिए दर्शकों को उनकी फिल्में बेहद पसंद भी आती हैं। सिद्धार्थ की वॉर 2 एक्शन को अलग लेवल पर लेकर जाएगी और इस फिल्म की स्टार कास्ट कमाल की होगी। आपको बता दें कि पहले पार्ट की तरह इस पार्ट में भी टाइगर और ऋतिक दिखेंगे, पर इस पार्ट में विलन की भूमिका प्रभास निभाते नजर आएंगे और ये बात फिल्म को और भी खास बना देती है। बाहुबली के ये मेगा स्टार केवल मशहूर ही नहीं है बल्कि इनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी है और ये अब तक ग्लोबल आइकन भी बन चुके हैं। जिन भी फिल्मों में प्रभास काम करते हैं वो सुर्खियों में ही रहती है। वो अब अगर आमिर खान और सलमान खान से भी बड़े स्टार बन चुके हैं और जैसा कि साहो के साथ हुआ, उनकी फिल्म अच्छी नहीं होने के बावजूद भी दर्शकों की उनसे उम्मीद के कारण कई बार फिल्म फ्लॉप रहते हुए भी खूब कमाई कर लेती है। दरअसल होता यह है कि सारी ऑडियंस फिल्म देखकर ही फैसला लेना चाहती है कि प्रभा की फिल्म अच्छी है या बुरी, और इसी वजह से उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग कहीं ना कहीं फिल्म की कमाई में मददगार साबित होती है। आपको बता दें कि वॉर 2 में अमेजिंग स्टार कास्ट की वजह से एफएम दर्शकों का भी साथ में मिल रहा है और अब तो इसके नाम ग्लोबल लेवल पर मशहूर हो जाएगा प्रभास के नाम का इससे ऑफिशियली जो जुड़ गया है। वॉर का मशहूर गाना घुंघरू की वजह से भी फिल्म हिट हुई थी और ऐसे अच्छे और डांसिंग स्पेसिफिक सॉन्ग से दर्शकों को अक्सर लगता है कि फिल्म अच्छी होगी और सुनने में आया है कि वॉर 2 में भी ऐसा ही एक गाना इंक्लूड किया जाएगा और एक आइटम सॉन्ग भी होगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या इस फिल्म से भी जुड़ेगा वाणी कपूर का नाम। जहां फैंस वॉर के सिक्वल के लिए इंतजार कर रहे हैं, वहीं टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 और बागी 4 भी रिलीज होने वाली है। उन्होंने कहा कि वो अपने 6 साल के करियर में जो कुछ कर पाए हैं उसके लिए आभारी हैं और वह आगे भी मेहनत करते रहेंगे ताकि अच्छा काम करते रहें और अपने फैंस को खुश कर सके। तो क्या लगता है आपको, क्या मशहूर स्टार्स और आइटम सॉन्ग के होने से फिल्म की पब्लिसिटी पर फर्क पड़ेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। स्क्रिप्ट रिटन बाय संस्कृति चलन। तो आखिर कैसा रहा वॉर स्टार का लव ट्रायंगल? टाइगर के ऊपर क्यों मंडरा रहा है खतरा? क्या टाइगर नहीं होंगे वॉर 2 का हिस्सा? तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ निष्का त्यागी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी वॉर की जो सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया के सितारों की लाइफ में भी होती है। ये वॉर है इनके निजी रिश्तों की, जिसमें जीतने वाला भी कब हार जाता है उसे पता नहीं चलता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड सेलेब्स अक्सर अपने अफेयर्स को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, आज हम आपको कुछ ऐसे ही सेलेब्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो लव ट्रायंगल्स के चलते सुर्खियों में बने रहे। तो दोस्तों बॉलीवुड सेलेब्स जितना अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं उतना ही वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं। कई सेलेब्स ऐसे हैं जो इंडस्ट्री और फैंस के बीच अपने अफेयर्स के चलते चर्चे में रहते हैं, लेकिन जब जब फैंस इन कपल से शादी की उम्मीदें लगाने लगता है तभी ये रिश्ते टूट जाते हैं, जिसकी वजह कपल की जिंदगी में किसी तीसरे को बताया जाता है। अब दोस्तों आज हम इंडस्ट्री के कुछ ऐसे कपल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके रिश्तों में किसी तीसरे की एंट्री होने से सब खत्म हो गया था। तो दोस्तों बता दूं कि बॉलीवुड की मशहूर लव स्टोरीज में से एक लव स्टोरी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है मशहूर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और जया बच्चन और रेखा की। सालों बाद भी
इस लव ट्रायंगल के बारे में बात होती है। दोस्तों बताया जाता है कि एक वक्त था जब अमिताभ और रेखा इतने करीब आ गए थे कि जया बच्चन के लिए खुद शादी बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। पति पत्नी और वो के चक्कर में ये तीनों बुरे फंस गए थे। वहीं दोस्तों बता दूं कि रेखा अमिताभ बच्चन की दूसरी पत्नी नहीं कहलवाना चाहती थी, ऐसे में उन्होंने दूरी बनाना ही जरूरी समझा। इसके साथ बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और एक्ट्रेस करीना कपूर की लव स्टोरी तो हर कोई जानता है। दोस्तों बता दूं कि शाहिद और करीना के इस रिश्ते ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। दोनों को हर जगह पर साथ में स्पॉट किया जाता था, लेकिन कुछ समय बाद ही कपल के बीच में एक तीसरे शख्स की एंट्री हो गई, जिसका नाम था सैफ अली खान। जी हाँ दोस्तों, शाहिद और करीना की लव स्टोरी में सैफ आया और करीना से शादी कर हमेशा के लिए उन्हें अपना बना लिया। इस लिस्ट में अब रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ आते हैं। एक वक्त था जब रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण के प्यार में दीवाने हो गए थे। बड़े पर्दे पर भी दर्शकों को इस जोड़ी से प्यार हो गया था। दोस्तों बता दूं कि दीपिका और रणबीर भी खुलेआम इश्क लड़ाने से बाज नहीं आते थे। दोनों की शादी की खबरें भी आए दिन सुनाई दी जाती थी, लेकिन तभी इस कपल के बीच आई एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और दीपिका रणबीर का ब्रेकअप हो गया। रिश्तों के टूटने का गम दीपिका कई बार बता चुकी है। जहां दीपिका रणबीर सिंह से शादी कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, वहीं रणबीर और कैट के बीच आलिया भट्ट की एंट्री हो गई। इन दिनों आलिया भट्ट और रणबीर कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस रिश्ते का क्या अंजाम होता है। तो दोस्तों बात आती है हमारे हॉट एक्टर ऋतिक रोशन और उनकी पत्नी सुजैन की। इनकी बॉन्डिंग की हर कोई तारीफ करता था। सालों तक दोनों ने अपने रिश्ते को बचा कर रखा था, लेकिन दोस्तों एक्ट्रेस कंगना रनौत की खूबसूरती के आगे ऋतिक रोशन अपना दिल हार गए। ऋतिक और कंगना के अफेयर की खबरों ने जितना लोगों को हैरान और परेशान किया था, वहीं इस रिश्ते की वजह से ऋतिक को अपनी शादी से हाथ धोना पड़ा। 2017 में सुजैन ने ऋतिक से तलाक ले लिया था। वैसे उस वक्त सुजैन का नाम एक्टर और मॉडल अर्जुन रामपाल संग जोड़ा जा रहा था। इसलिए कहते हैं अपने रिश्तों को संभाल कर रखो, क्या पता कौन कब कहां से एंट्री ले और तुम्हें एग्जिट करना पड़ जाए। ऐसा ही कुछ फिल्म वॉर 2 में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों वॉर 2 के लिए टाइगर के रिप्लेसमेंट को ढूंढा जा रहा है। आजकल टाइगर अपनी और फिल्मों में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से ये वॉर 2 के लिए डेट नहीं दे पा रहे हैं। इसी बीच डायरेक्टर और एक्टर को अप्रोच कर रहे हैं ताकि वॉर की शूटिंग की जा सके। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कोई हीरो टाइगर को रिप्लेस कर पाएगा? क्या टाइगर वॉर 2 का हिस्सा बने रहने के लिए कुछ कर पाएंगे? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और चटपटी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन। रोशन की वॉर 2 में सलमान और शाहरुख खान भी नजर आ सकते हैं। क्या हो रहा है बॉलीवुड में और क्रॉसओवर कहां तक जाने वाला है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। जिस तरह रोहित शेट्टी ने एवेंजर्स सीरीज से प्रेरणा लेते हुए सिम्बा में सिंघम और सूर्यवंशी में सिम्बा और सिंघम के किरदार को जगह दी थी, वैसा ही कुछ आदित्य चोपड़ा की वॉर के सीक्वल में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हाल में खबर आई थी कि जैसे कि पठान में टाइगर होने वाले हैं और टाइगर 3 में पठान होने वाले हैं, यानी कि शाहरुख और सलमान की ये दो फिल्में क्रॉसओवर में दिखाई जाएंगी। ये दोनों सितारे एक दूसरे की फिल्म में नजर आएंगे। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वॉर 2 में अब आपको टाइगर और पठान यानी कि सलमान खान और शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। और बात यही नहीं रुक रही, फिल्म में दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ भी नजर आएंगी। ये भी एजेंट्स का किरदार करेंगी, यानी कि यशराज एक स्पाई यूनिवर्स की फिल्म बना रहे हैं। इसमें ये सारे किरदार नजर आ सकते हैं। और कहा जा सकता है कि अगर एक फिल्म में इतने बड़े बड़े सितारे हों, जैसे कि कहा जाता था कि आमिर, शाहरुख और सलमान खान अगर एक फिल्म में हो तो वो संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा बजट इस फिल्म के लिए चाहिए। लेकिन एक आदित्य चोपड़ा ही है इस वक्त इंडस्ट्री में जो ये काम सफल कर सकते हैं, यानी कि बड़े बड़े सितारों को, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को एक ही फिल्म में कास्ट करने का वो दम रखते हैं। और अब जो खबर है वॉर 2 से जुड़ी हुई, उसमें सलमान, शाहरुख खान,
दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, ऋतिक रोशन होने वाले हैं और टाइगर श्रॉफ भी इस फिल्म में हो सकते हैं वॉर 2 में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और एक ऐसा हो जाता है तो ये बॉक्स ऑफिस के लिहाज से भी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है फिल्म। वॉर ने 2019 में ऑलरेडी इतिहास रच दिया था। इस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की 2019। वाकई यशराज फिल्म्स कुछ नया करने का दम रखता है और कुछ नया ही करने वाला है। तो दोस्तों वॉर 2 में इन सारे सितारों को देखने का आपको कितना इंतजार है ये जरूर बताइएगा। फिलहाल ये बॉलीवुड के गलियारों में ये खबरें चल रही है, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक यशराज ने नहीं की है। वैसे तो पठान की भी नहीं की थी लेकिन पठान के सेट से शाहरुख खान की तस्वीर लीक हो गई, तो कुछ भी हो सकता है। और इस वक्त जैसे बॉलीवुड के हालात चल रहे हैं तो कुछ बड़ा करने की जरूरत है, ये यशराज फिल्म्स भी जानते हैं, इसीलिए ये प्लान किया जा रहा होगा। तो दोस्तों वॉर 2 का कितना इंतजार है, इसमें सभी एक्टर्स एक्ट्रेस को देखने का कितना इंतजार है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। किसका हाथ रहा फिल्म में जोरदार एक्शन के पीछे? क्या वॉर 2 में हमें कोई एक्ट्रेस भी एक्शन करते हुए दिखेंगी? आखिर किस फिल्म की झलक देखी गई थी वॉर में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वॉर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ जबरदस्त बातें। तो दोस्तों जब 2 सुपर हंक्स एक ही स्क्रीन पर अपने सिक्स पैक ऐप से सबको घायल करते दिखे तो कई हसीनाओं के दिल की धड़कन रुक सी गई थी, वहीं कुछ लड़कों की धड़कनों में भी उछाल आया फिल्म की सुपर सेक्सी और हॉट एक्ट्रेस को देखकर। आखिर कौन है इस सुपर हॉट एंड सेक्सी स्टार कास्ट? जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, 2019 में आई वॉर फिल्म के ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर की हम बात कर रहे हैं। जहां फिल्म की हाफ स्टोरी के बाद फिल्म की कहानी कहीं नीचे जाती दिखी तो सिद्धार्थ आनंद ने अपने हीरो के सॉलिड एब्स और लुक्स और जबरदस्त एक्शन सीन्स के साथ पूरी कोशिश की फिल्म को कवर अप करने की, और जो बहुत हद तक सही साबित हुई। पर स्टोरी तो स्टोरी होती है, दर्शकों को एक कड़ी से दूसरी कड़ी तक जोड़ने के लिए। फिल्म में वाणी कपूर का रोल लिमिटेड रहा, जिससे साफ पता लग रहा है कि उनको केवल ग्लैमर के लिए ही फिल्म में दिखाया गया था। दोस्तों न्यूज आ रही है कि इस फिल्म का सेकंड सीक्वल बनने जा रहा है, ऐसे में इस फिल्म में भी क्या हीरोइन को केवल ग्लैमर के लिए दिखाया जाएगा या वाकई में डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इस बार हीरोइन को भी दमदार एक्शन और स्टोरी का हिस्सा बनाएंगे, इसी बात पर चर्चा हो रही है। दोस्तों वॉर में हमें ऋतिक और टाइगर की जोड़ी देख के मानो ऐसा लगा जैसे 90s में आई सुभाष घई की फिल्म खलनायक के संजय दत्त और जैकी श्रॉफ वापस से देखने को मिले हों। पर हाँ, एक्शन और स्टाइल में तो काफी बदलाव आपको 90s की फिल्मों से अब की फिल्मों में देखने को मिल ही सकता है, जिसका आधा श्रेय VFX और स्टंट डायरेक्टर्स को जाता है। जी हाँ दोस्तों, वॉर फिल्म में बड़े पर्दे पर एक्शन करते दिखे ये दो दमदार हीरो के पीछे एक्शन डायरेक्टर सी यंग ओ, परवेश शेख, फ्रांस स्पिलहाउस और पॉल जेनिंग्स का हाथ रहा है। अब आने वाली फिल्म वॉर 2 में ऋतिक रोशन संग कौन सा हीरो और हीरोइन हमें देखने को मिलते हैं एक्शन करते हुए? ऐसे ही बहुत से और धुरंधर एक्शन सीन्स देख के ऐसा लगेगा कि मानो आप हॉलीवुड के मिशन इम्पॉसिबल या फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म ही देख रहे हो। आजकल बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में हॉलीवुड मूवीज जैसी झलक देखने को मिलती है, चाहे वो रोहित शेट्टी की फिल्म में हो या फिर अब इस लाइन में जुड़े सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी आज की राइटर है स्नेहा सिंह। इनके सब फैन हैं, वो खुद किसके फैन हैं? ऋतिक को जिम जाने की सलाह किसने दी थी? जोधा अकबर बिग बैंग के दौरान ऋतिक को कौन सी बीमारी लगी? पॉलीग्रेड स्टूडियोज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम कल की अधूरी वीडियो को पूरा करेंगे, जिसमें हमने ऋतिक के कई ऐसे राज खोले जो शायद ही आपको पता हो। आज हम फिर से ऋतिक के कुछ अन्य राज से पर्दा उठाने वाले हैं। आप
आपको बता दे कि ऋतिक धर्मेंद्र के बहुत बड़े फैन थे। बचपन में अपने वार्डरोब में उन्होंने धर्मेंद्र का पोस्टर लगा रखा था और ब्रेन सर्जरी के बाद सबसे पहले उन्होंने धर्मेंद्र से ही फोन पर बात की थी। इतना ही नहीं, ऋतिक रोशन लड़कियों में बेहद लोकप्रिय थे। आए दिन उनके चर्चे सोशल मीडिया पर रहते हैं। एक बार तो वैलेंटाइन डे पर उन्हें 30,000 शादी के प्रस्ताव मिले थे। वैसे तो सबको पता ही है कि ऋतिक की इंग्लिश काफी अच्छी है, लेकिन ऋतिक रोशन की इंग्लिश ही नहीं बल्कि हिंदी भी बहुत अच्छी है और घर के सारे सदस्यों से वे हिंदी में ही बात करते हैं। हेल्थ के मामले में ऋतिक हमेशा से ही काफी कमजोर है। ऋतिक रोशन समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते रहे हैं। हकलाने की समस्या के अलावा 21 वर्ष की उम्र में ऋतिक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी अंग्रेजी के शब्द एस जैसी हो रही थी और डॉक्टर्स ने कहा कि वे अभिनेता नहीं बन पाएंगे, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ऋतिक बीमारी से उभरे और एक बेमिसाल एक्टर के रूप में हमारे सामने आए हैं। इसके अलावा ऋतिक के सीधे हाथ में दो अंगूठे हैं। आमतौर पर फिल्मों में वे अंगूठों को छिपा कर रखते हैं, वे अपने लिए इसे लकी मानते हैं। ऋतिक के दो अंगूठों के कारण ही कोई मिल गया में जादू नामक एलियन के भी दो अंगूठे दिखाए गए थे। आपको बता दें कि ऋतिक को फोटोग्राफी बेहद पसंद है। पर्सनल स्क्रैपबुक में वे रोजाना खींचे गए फोटो लगाते रहते हैं। इतना ही नहीं, ऋतिक रोशन कई सालों से मेकअप करते समय एक ही आईने का इस्तेमाल करते हैं। उनका मेकअप मैन बड़े जतन से आईने को हमेशा साथ रखता है। ये ऋतिक का लकी आईना है। क्या आपको पता है, ऋतिक बहुत दुबले थे और सलमान खान के कहने पर उन्होंने जिम जाकर शरीर पर ध्यान दिया और आज ऋतिक 6 abs होने का ऑनर रखते हैं। अब ऋतिक के वर्क फ्रंट की बात करें तो ऋतिक एक बार फिर वर्ल्ड 2 में दिखाई देंगे, लेकिन इस बार इसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा। अब वो ट्विस्ट एंड टर्न क्या होंगे ये हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो ये थे ऋतिक से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। उम्मीद